डिस्क्लेमर, मेरी आप सबसे गुजारिश है ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। मेरी वीडियो का मकसद सिर्फ सोसाइटी में गंदगी फैलाने वालों को साफ करना है, तो लिहाजा इस वीडियो को अपने दिल के फेफड़ों पे मत लेना। ज्यादा तबीयत खराब हो तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवा लेना। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AKM इफेक्ट पे। दोस्तों आप सब कैसे हैं, उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2021 में रिलीज हुई तमिल भाषा की मोस्ट अवेटेड मूवीज का नाम है अन्नाथे। तो दोस्तों ये फिल्म कौन सी आपको कहां पे हिंदी डब में देखने को मिलेगा, पूरी जानकारी आज की इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों को देने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अन्नाथे मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अन्नाथे फिल्म को बनाने में कितना रुपया खर्च हुआ है, और दोस्तों इस मूवी ने साल 2021 में रिलीज होने के बाद बॉक्स ऑफिस पे कितनी कमाई किया था, और ये फिल्म हिट हुआ था या फिर फ्लॉप हुआ था, इसकी पूरी जानकारी आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको देंगे। साथ ही साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अन्नाथे मूवीज की कहानी के बारे में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस फिल्म की कहानी कैसी है, क्या इस फिल्म को देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए 2023 में। अगर दोस्तों इस फिल्म को देखना चाहिए तो ये फिल्म आपको कौन सा यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगा, या फिर कौन सी OTT प्लेटफॉर्म पे आपको ये फिल्म आसानी से हिंदी डब में देखने को मिल जाएगा, इसकी पूरी जानकारी आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको देंगे। तो दोस्तों अगर आप लोग अन्नाथे फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके और मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देर किए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ से विस्तार में बात कर लेते हैं अन्नाथे फिल्म के बारे में। बता दें दोस्तों ये फिल्म साल 2021 में रिलीज की गई भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जो शिव द्वारा लिखित किया गया है और निर्देशित किया गया है। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म को सन पिक्चर के तहत कलानिधि मारन द्वारा निर्मित किया गया है। और दोस्तों फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म के अंदर रजनीकांत, खुशबू मीना, नयनतारा और दोस्तों कृति सुरेश ने अभिनय किया है, जबकि दोस्तों जगपति बाबू, प्रकाश राज और सूरी प्रमुख भूमिकाओं में फिल्म में नजर आए हुए हैं। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर के बारे में हम बात करें तो दोस्तों फिल्म के संगीत डी ईमान द्वारा तैयार किया गया है, जबकि दोस्तों फिल्म का छायांकन और संपादन क्रोमस वेट्री और दोस्तों रूबेन द्वारा किया गया है। इसी के साथ दोस्तों अन्नाथे फिल्म की कहानी के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म की कहानी तंजावुर के एक सरपंच कल्याण के इर्द गिर्द घूमता है, जो दोस्तों अपनी बहन को एक व्यापारी और उसके बड़े भाई के चंगुल से बचाने के लिए हर संभव प्रयास करता है। दोस्तों फिल्म की आधिकारिक घोषणा अक्टूबर 2019 में की गई थी, जो शिव के साथ रजनीकांत का पहला सहयोग था। मुख्य फोटोग्राफी अभिनेता के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर 11 दिसंबर 2019 को शुरू हुई और दोस्तों सितंबर 2021 के भीतर पूरी हो चुकी थी। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म को भारत में COVID-19 लॉकडाउन के परिणाम स्वरूप शूटिंग प्रक्रिया 1.5 साल तक चली। दिसंबर 2020 के अंत में रजनीकांत के स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों के कारण दोस्तों फिल्म की निर्माण में देरी हुई और फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में की गई थी। इसके कुछ दृश्य चेन्नई में शूट किया गया था। दोस्तों अन्नाथे को दिवाली के मौके पर 4 नवंबर 2021 को रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा देखने को मिली थी। इसके बावजूद दोस्तों ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे व्यावसायिक रूप से सफल रही और दोस्तों रिलीज होने पर इसने लगभग 175 से लेकर 240 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की, और दोस्तों इसने तमिलनाडु बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ रुपए से अधिक का आंकड़ा भी पार कर लिया, और इस तरह ये उपलब्धि हासिल करने वाली तीसरी फिल्म बन गई जो भारतीय दूतावास ने संस्कृति और दोस्तों पर्यटन को बढ़ावा देने के हिस्से के रूप में अर्जेंटीना में फिल्म की रिलीज की घोषणा किया गया था। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना। इसी के साथ दोस्तों बात करें फिल्म की कहानी के बारे में तो दोस्तों फिल्म के अंदर कलैया तंजवार के सुरकोटे में एक स्थानीय ग्राम अध्यक्ष इंसान रहते हैं और वो दोस्तों गांव के रक्षक भी है, जो नैतिक जो है निष्पक्षता के आगे झुकते हैं, और ये आदर्श उसे एक प्रतिद्वंदी ग्राम नेता नत्ता दुरे के साथ संघर्ष करने के लिए प्रेरित करता है, जो दोस्तों लोगों को डराकर उन्हें नियंत्रित करके शासन करते हैं उन पर। जब दोस्तों नत्ता दुरे एक बूढ़े व्यक्ति से जमीन हड़पने की कोशिश करता है तो वह अपने मामले की रक्षा के लिए पट्टामाल नाम के एक वकील को नियुक्त करता है इस काम के लिए। और दोस्तों आगे देखने को मिलता है कल्याण ने सच्चाई उजागर कर दी और पट्टामाल ने अपने ही मुवक्किल को धोखा दिया और दोस्तों मामला वापस ले लिया। पट्टामाल और कल्याण जल्द ही दोस्तों प्यार में पड़ जाते हैं। कल्याण की दुनिया उसकी बहन थंगा मीनाची के इर्द गिर्द घूमता है, जिसे दोस्तों उसने अपने माता पिता की मृत्यु के बाद उसे बहुत प्यार से पाला है। फिल्म में
जब मीनाक्षी अपनी शिक्षा पूरी करके घर लौटती है तो कल्याण को उसके लिए दूल्हा ढूंढने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों हर कोई उससे डरता है। फिल्म में कल्याण की परेशान चचेरी बहन ने यहाँ पे अंगयार कन्नी और दोस्तों उनके अलावा मगयार करसी दोनों ने प्रस्ताव रखा कि उनके भाई जो है धंगा मीनाक्षी से शादी करे और वह दोनों कल्याण से शादी करना चाहते थे, लेकिन वह सहमत नहीं थी इन दोनों से शादी करने के लिए, यानी कि किसी से भी शादी करने से सहमत नहीं थी। धंगा मीनाक्षी की शादी नट्टा दुरई के छोटे भाई के साथ उसकी सहमति के बिना तय कर दी गई है। शादी के दिन मीनाक्षी गायब हो जाती है घर से और दोस्तों बाद में पता चलता है कि वह भाग चुकी है घर से। शादी के दिन मीनाक्षी लापता हो जाती है। कल्याण एक खोजी दल भेजते हैं जो कॉलेज से अपने प्रेमी के साथ भागने की कोशिश कर रही मीनाक्षी को ट्रेन में पकड़ लिया जाता है। अपनी बहन के प्रति अपने प्यार से तंग आकर कल्याण मीनाक्षी को जाने की अनुमति देता है और रिश्तेदारों की ऑनर किलिंग की मांग को टाल देता है। मीनाक्षी अपने पति के साथ कोलकाता चली जाती है और दोस्तों वहां से कल्याण से उसका संपर्क टूट जाता है। कल्याण और दोस्तों बट्टामाल कोलकाता की यात्रा करते हैं। उसके बाद देखने को मिलता है कल्याण को पता चला कि उसकी बहन को गंभीर व्यक्ति जो है परेशान कर रहे हैं और चुपके से उसका पीछा करता है और उसे पता चलता है कि उसने एक गैंगस्टर से पैसा उधार लिया है। जब दोस्तों गैंगस्टर मीनाक्षी पर हमला करने की कोशिश करता है तो कल्याण चुपके से उसकी पिटाई कर देता है और मीनाक्षी को पटना माल के अपार्टमेंट में लेकर जाया जाता है। यहाँ दोस्तों वह सुरक्षित रूप से उस पर नज़र रख पाता है। आगे दोस्तों ठगों द्वारा मीनाक्षी को धमकी दी जाती है और दोस्तों वह बीमार पड़ जाता है। जब दोस्तों पट्टामाल अपनी दावा लेने के लिए घर से निकलता है तो ठग उस पर हमला कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों कल्याण उसे बचाती है और आगे देखने को मिलता है हमलावरों से पूछताछ किया जाता है और सच्चाई वहां से पता चलता है पट्टामाल को। आगे दोस्तों अतीत में ये पता चलता है, दोस्तों अतीत में जब मीनाक्षी और उसके पति ने कोलकाता में व्यवसाय शुरू किया था तो एक अमीर व्यापारी और अंडरवर्ल्ड डॉन मनोज परेकर ने उनसे संपर्क किया। मनोज उनके आधे शेयर खरीदना चाहते थे लेकिन मीनाक्षी के पति ने इनकार कर दिया शेयर को बेचने से। अगले हफ्ते में दोस्तों मीनाक्षी की फैक्ट्री में आग लग गई, उन्हें इसे दोस्तों बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा और दोस्तों यही नहीं बल्कि उसके पति को भी गिरफ्तार करवा दिया गया। जी हाँ दोस्तों, उसके पति को मनगढ़ते आरोपों के तहत गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस हिरासत में यातना दी जा रही थी। मीनाक्षी ने अपने पति को रिहा करवाने और अपनी कंपनी पर हस्ताक्षर करने के लिए मनोज से विनती की थी। मनोज ने दोस्तों उसे छुड़ाने से इनकार कर दिया था और जो भी उसकी मदद करने को तैयार हुआ उसकी हत्या करवा दे रहा था। वर्तमान समय में मीनाक्षी अभी भी पट्टा माल की मदद से अपने पति को रिहा करवाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह गर्भवती भी है। ये सुनकर दोस्तों कल्याण बहुत खुश होता है और वह और यहाँ पे पट्टामाल उसके लिए एक गोद भराई का आयोजन भी करते हैं। कहानी में आगे देखने को मिलता है मीनाक्षी के दुर्भाग्य के पीछे की सच्चाई जानने के बाद कल्याण अपनी बहन को चारा के रूप में इस्तेमाल करके गैंगस्टरों को मारना चाहता था और दोस्तों मनोज जो है परेकर को नष्ट करने की कसम खाता है। अन्नाथे के दोस्तों यहाँ पे बता दें छमा नाम के तहत कल्याण और उसके गांव के दोस्त मनोज के कार्यालय पर धावा बोलता है और एक अल्टीमेटम जारी करता है जो उसके अधिक नाटक के बाद जो अन्नाथे ने मनोज को घेर लिया और दोस्तों उसे कागज पर अपने नाम पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया, जिसमें दोस्तों कहा गया था कि वह चुराई गई कंपनियों को उनके पूर्व मालिकों को वापस कर देगा। कल्याण ने मनोज की जान बखसने का इसके बाद फैसला किया। इसके आगे दोस्तों क्रोधित होकर अपमानित होकर मनोज अपने अलग हो चुके भाई जो है उद्धव परेकर से मिलने जाता है और अन्नाथे को खत्म करने की मांग करता है और फिर दोस्तों आत्महत्या कर लेता है। इसके बाद दोस्तों उद्धव मीनाक्षी का पता लगाया जाता है और उस पर जो है हमला करने के लिए लोगों को लाता है। दोस्तों इसके बाद कल्याण द्वारा निर्देशित की गई पट्टामाल उसे छुपाती है। पट्टामाल और दोस्तों मीनाक्षी का लोगों द्वारा तब तक जो है पीछा किया जाता है जब तक कि दोनों एक दुर्घटनाग्रस्त ऑटो रिक्शा से अलग नहीं हो जाते। कल्याण वहां आता है और दोस्तों उद्धव के सभी जो है आदमियों को पकड़ लेता है और दोस्तों उद्धव को मार डालता है, जहां पे दोस्तों वह अंत तक खुद को जो है मीनाक्षी के सामने प्रकट करता है, जो अपने भाई को हुई सभी जो है परेशानियों के लिए आंसू बहाते हुए माफ़ी मांगता है उनसे। तो दोस्तों ये कहानी आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलती है। अक्टूबर 2019 के मध्य में मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था
दरबार फिल्म 2020 की रिलीज के बाद रजनीकांत निर्देशक जो है शिव के साथ काम करेंगे, लेकिन बाद में दोस्तों 11 अक्टूबर 2019 को कलानिधि मारन ने इसकी पुष्टि की, जिसका दोस्तों प्रोडक्शन हाउस सन पिक्चर्स है। उद्यम को दोस्तों नियंत्रित करने वाली पिक्चर्स ने स्थायी रूप से इस परियोजना का शीर्षक जो है थलाई पर रखा 168 रखा, क्योंकि दोस्तों ये रजनीकांत की 168वीं फिल्म परियोजना वाली मूवी थी। ये आपको बता दें एंडीरन और पेटा के बाद सन पिक्चर के साथ है रजनीकांत का तीसरा सहयोग है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें संगीत का डी ईमान, जिन्होंने पहले निर्देशक के साथ विश्वासम फिल्म 2019 में काम किया था, उनको फिल्म के लिए संगीत देने की सूचना मिली थी। नवंबर के मध्य में निर्माता द्वारा उनके शामिल किए जाने की पुष्टि की गई और यह बताया गया था कि फिल्म का शीर्षक जो है वियुगम और मनोवन होगा। हालांकि दोस्तों टीम ने अफवाह का खंडन किया और फिल्म का शीर्षक अन्नाथ 24 फरवरी 2020 को सामने आया था। शिव के दोस्तों सामान्य तकनीकी दल वेटरी रूबेन मिलन और दोस्तों दिलीप जो है सुब्बा रायन, जिन्होंने यहाँ पे सुब्बा रायन को छोड़कर निर्देशक की पिछली फिल्मों में काम किया था, क्योंकि दोस्तों उन्होंने शिव के साथ केवल जो है विश्वासम में काम किया था। उन्हें कर्मास फिल्म का छायाकर संपादन कला निर्देशक और स्टंट कोरियोग्राफर बताया गया था। रजनीकांत ने दोस्तों अपनी फिल्म में कुछ पंच लाइनें लिखी थी, जिसकी वजह से प्रारंभ में अभिनेता को फिल्म के लिए उनके वेतन के रूप में 118 करोड़ का भुगतान करने की सूचना मिली थी। लेकिन दोस्तों कलानिधि मारन ने दरबार की विफलता के बाद उन्हें वेतन कम करने के लिए जोर दिया और दोस्तों रजनीकांत ने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो वह इस परियोजना को बंद करने के लिए भी तैयार थे। काफी विचार विमर्श के बाद रजनीकांत ने बताया था कि वह अपना वेतन कम करने पर सहमत हो गए हैं। 23 अक्टूबर 2019 को कृति सुरेश को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका में अभिनय करने के लिए उनको साइन किया गया था इस फिल्म के अंदर। बाद में ये हास्य कलाकार सूरी को एक और प्रमुख भूमिका निभाने की सूचना मिली थी। सन पिक्चर्स द्वारा दोस्तों दिसंबर 2019 के मध्य में 2019 के हफ्ते में सूरी और सुरेश को शामिल करने की पुष्टि की गई। बताया गया था कि कृति सुरेश फिल्म में रजनीकांत की सौतेली बहन की भूमिका निभाएंगी। दिसंबर 2019 में निर्माताओं ने यह भी पुष्टि किया था कि मीना और खुशबू भी फिल्म में होंगी। थलाई पर 168 में रजनीकांत की मुख्य महिला भूमिका निभाएंगी। प्रकाश राज और 37वीं शूटिंग में शामिल होंगी, यह बताया गया था। इसके बाद दोस्तों प्रकाश राज और 37वीं शूटिंग शुरू होने से पहले फिल्म के कलाकारों में शामिल हो गए। अभिनेता विश्वनाथ, जिन्होंने कवाली फिल्म 2016 में रजनीकांत के साथ काम किया था, कवाली 2016 में रजनीकांत के साथ जो है काम किया था, उनको भी कलाकारों में शामिल किया गया। और फाइनली 31 जनवरी 2020 को सन पिक्चर्स ने बाद में घोषणा किया था कि नयनतारा भी एक वकील की भूमिका निभाते हुए फिल्म के कलाकारों का हिस्सा होगी। अभिनेता दोस्तों आपको बता दें वेला राममूर्ति भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए कलाकारों में शामिल हो गए। और दोस्तों ऐसी खबरें थी कि तेलुगु अभिनेता गोपी चंद, लेकिन दोस्तों हालांकि अभिनेता ऐसे दाव का खंडन किया। जेके श्रॉफ के बारे में हम बात करें तो जेके श्रॉफ को फिल्म के नायक की भूमिका निभाने के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन मार्च 2021 में उनकी जगह जगपति बाबू ने इस फिल्म में ले ली। इसी के साथ दोस्तों मुख्य फोटोग्राफी के बारे में हम बात करें तो 11 दिसंबर 2019 को अभिनेता रजनीकांत के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर हुई चेन्नई में दोस्तों स्वर्ण टीवी नेटवर्क के कार्यालय में आयोजित किए गए पूजा समारोह में फिल्म के कलाकार और चालक दल उपस्थित थे। फिल्मांकन दोस्तों 18 दिसंबर 2019 को हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में एक गाने की शूटिंग के साथ दोस्तों शुरू हुआ, जबकि खुशबू फिल्मांकन शुरू होने के कुछ दिनों बाद अपने हिस्से की शूटिंग में शामिल हो गई। रजनीकांत के बारे में हम बात कर लेते हैं दोस्तों, रजनीकांत कर्नाटक के बंदीपुर जंगल में मैन वर्सेज जो है वाइल्ड के एक एपिसोड की शूटिंग के लिए गए, जिसके परिणाम स्वरूप फिल्म की शूटिंग में देरी हुई। नयनतारा के शामिल होने की घोषणा बाद में अभिनेत्री ने फरवरी में 2020 में बताया और 2020 में सेट पर शामिल हुई। निर्माता ने इसके बाद हैदराबाद में दो शेड्यूल पूरे होने के बाद कोलकाता और पुणे में कुछ दिवसों की शूटिंग करने की योजना बनाई थी इसके बाद में, लेकिन दोस्तों कोविड-19 महामारी के डर के कारण इस विचार को छोड़ दिया गया और हैदराबाद में शूटिंग जारी रखने का फैसला किया गया, कंटिन्यू किया गया। इसके बाद दोस्तों महामारी के कारण फिल्मांकन आगे रुक गई। इसके बाद दोस्तों यह बताया गया था कि टीम जो है लॉकडाउन के बाद चेन्नई में कुछ दिवसों की शूटिंग करेगी, क्योंकि दोस्तों फिल्म की टीम को शूटिंग के लिए हैदराबाद जाना मुश्किल होगा। बताया
और दोस्तों महामारी के बाद सरकार द्वारा फिल्म और दोस्तों टेलीविजन निर्माणों को फिर से शुरू करने की अनुमति दिए जाने के बाद अक्टूबर 2020 में अभिनेता रजनीकांत के सेट पर शामिल होने की सूचना मिली थी। हालांकि दोस्तों निर्माताओं ने टीम की यहां पर सुरक्षा का हवाला देते हुए फिल्म की शूटिंग नवम्बर तक के लिए स्थगित कर दिया। इसके वजह से नवम्बर 2020 के मध्य में निर्माता ने आधिकारिक तौर पर कहा था कि शूटिंग 15 दिसंबर 2020 को फिर से शुरू करेगा शूटिंग, और जिसमें दोस्तों रजनीकांत शेड्यूल में शामिल होंगे इसकी भी पुष्टि हो चुकी थी। आगे दोस्तों इस फिल्म की शूटिंग को जल्दी पूरा करने के लिए एक ही समय में पूरा होने की उम्मीद लगाया गया था। रजनीकांत 14 दिसंबर को हैदराबाद गए और निर्धारित तिथि से पहले शूटिंग शुरू कर दी, जिसमें दोस्तों नयनतारा फिल्म के सेट पर शामिल थी। सूत्रों ने दावा किया था कि अभिनेता के दोस्तों रजनीकांत में प्रवेश से पहले रजनीकांत ने फिल्म की शूटिंग पूरी करने के लिए 14 घंटे से अधिक जो समय बिताया था, लेकिन दोस्तों फिल्म की शूटिंग 23 दिसंबर 2020 को रोक दी गई थी। इसके बाद दोस्तों बाद में जब जो है चालक दल के 8 सदस्यों को कोविड-19 का पता चला, हालांकि दोस्तों रजनीकांत ने इससे बेखबर थे और नकारात्मक परीक्षण इनका जब चेक किया गया था तो इनका पॉजिटिव रिजल्ट आया था। इसके बाद दोस्तों हैदराबाद में शौच हुए, यहाँ पे संगरोध में चले गए थे, जहाँ पे दोस्तों बहरहाल रक्तपात में उतार चढ़ाव के कारण 25 दिसंबर को इनको भी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। अभिनेता रजनीकांत को रजनीकांत के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए निर्माता ने 15 मार्च 2021 को चेन्नई में शूटिंग फिर से शुरू करने की योजना बनाई। इसमें दोस्तों एक शेड्यूल 30 दिनों के भीतर शूट किया गया था। तमिलनाडु राज्य विधानसभा चुनाव के बाद दोस्तों रजनीकांत अप्रैल 2021 में अगले शेड्यूल की शूटिंग के लिए हैदराबाद चले गए। आगे दोस्तों बता दें नाइट जो है कर्फ्यू और दोस्तों अन्य जो प्रतिबंधों के बावजूद फिल्म की शूटिंग तेजी से हुई, जिसकी वजह से टीम ने रजनीकांत पर आधारित जो है कुछ स्टंट दृश्यों की शूटिंग की। और दोस्तों रात के दृश्यों के लिए टीम ने सरकार के साथ साथ दोस्तों हैदराबाद पुलिस से रात के दृश्यों को शूट करने की अनुमति मांगी थी, जिसकी वजह से दोस्तों टीम ने तेज गति से फिल्मांकन करते समय सेट पर सुरक्षा जो है सुनिश्चित किया था फिल्म के लिए। साथ ही साथ दोस्तों नयनतारा अप्रैल 2021 के अंत में फिल्म की शूटिंग में शामिल हुई और दोस्तों रजनीकांत और नयनतारा के दृश्य 3 दिनों के भीतर शूट किया गया। 10 मई 2021 को ये घोषणा की गई थी कि रजनीकांत ने कुछ पैच और दृश्यों को छोड़कर फिल्म के लिए अपने हिस्से का काम पूरा कर लिया है। फिल्म का अंतिम शेड्यूल जुलाई 2021 में चेन्नई के एक निजी स्टूडियो में हुआ था। दोस्तों अगस्त में छोटे हिस्सों को छोड़कर फिल्म के स्टंट दृश्यों को पूरा कर लिया गया था। रजनीकांत और खुशबू ने अपने हिस्से के लिए डबिंग शुरू कर दी थी और दोस्तों सितंबर 2021 तक फिल्म की अंतिम प्रतिक्रिया होने के साथ फिल्म को सार्वजनिक देखने के लिए केंद्रीय फिल्म फेयर प्रमाण बोर्ड CBSP को भेज दिया था, जहां दोस्तों फिल्म को बोर्ड से UA प्रमाण पत्र मिला। फिल्म का अंतिम समय 163 मिनट बताया जा रहा था। आगे दोस्तों प्रारंभ में अन्नाथे को दशहरे के पूर्व संध्या पर 25 अक्टूबर 2020 के साथ रिलीज किया गया था। बाद में मई 2020 में सन पिक्चर्स ने घोषणा किया था कि फिल्म पोंगल 14 जनवरी 2021 के अवसर पर रिलीज होने वाली है, लेकिन दोस्तों कोविड-19 के वजह से इसको रोक दिया गया। इसके बाद दोस्तों 2021 में निर्माता ने घोषणा किया था कि ये फिल्म 4 नवंबर 2021 को दिवाली त्यौहार के अवसर पर रिलीज होगी। अन्नाथी ने दोस्तों बता दें बुक माई शो पर 1.3 मिलियन टिकटों की बिक्री को पार कर लिया, और इसी के साथ दोस्तों ये प्रकार उस वक्त सबसे अधिक बिकने वाला टिकट, सबसे ज्यादा दोस्तों कोविड-19 महामारी के बाद मंच पर मिलन का आंकड़ा छूने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई। दोस्तों नाटकीय रिलीज से पहले रजनीकांत ने अपनी बेटी, इसके बाद दोस्तों सौंदर्य, रजनीकांत पोते यात्रा और लिंगा के साथ जो फिल्म का पहला शो देखा था। सौंदर्य ने अपने नए जो है लॉन्च किए गए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हुटमी फिल्म के बारे में अपनी समीक्षा साझा किया। लोगों ने दोस्तों अभी तक जो ये नहीं देखा कि आपने जो है अन्नाथे सिवा में क्या देखा है, लेकिन मैंने इसे देखा, उन्होंने कहा, और फिल्म देखने के बाद मैं बाहर आया और दोस्तों आंसुओं के साथ जो है आपसे हाथ मिला रहा हूं, उन्होंने बताया। एनिमी के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों एनिमी भारी मांग के कारण ये फिल्म दुनिया भर के 2100 से अधिक थिएटरों में रिलीज होगी बताया गया, जिसमें दोस्तों 900 थिएटर भारत के होंगे ऐसा भी कहा गया था। इसके बाद दोस्तों विदेशी केंद्रों में 1193 स्क्रीन पर रिलीज किया जाएगा। 19 लॉकडाउन के बाद किसी तमिल फिल्म के लिए सबसे ज्यादा व्यापक था इस मूवी की रिलीज। इसके बाद दोस्तों इस फिल्म के स्क्रीन के बारे में हम बात कर ले तो 23 स्क्रीन यूनाइटेड किंगडम में लगाया गया था। इसके अलावा दोस्तों 35 स्क्रीन पूरे यूरोप में लगाया गया था इस फिल्म के शो के लिए। तो फैंस इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं साल 2021 में रिलीज हुई रजनीकांत की मोस्ट वेटेड मूवीज का नाम है अन्नाथे।
दोस्तों ये फिल्म कौन सी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको दे रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बन रहिएगा। साथ ही साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अन्नाथे मूवीज की कहानी के बारे में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस फिल्म की कहानी कैसी है, क्या इस फिल्म को देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए 2023 में। अगर दोस्तों इस फिल्म को देखना चाहिए तो ये फिल्म आपको कौन सा यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगा या फिर कौन सी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आपको ये फिल्म आसानी से हिंदी डब में देखने को मिल जाएगा, इसकी पूरी जानकारी आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको देंगे। तो दोस्तों अगर आप लोग अन्नाथे फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके और मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देर किए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। तो चलिए दोस्तों अब हम ऐसे विस्तार में बात कर लेते हैं अन्नाथे फिल्म के बारे में। बता दें दोस्तों ये फिल्म साल 2021 में रिलीज की गई भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जो शिव द्वारा लिखित किया गया है और निर्देशित किया गया है। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म को सन पिक्चर के तहत कलानिधि मारन द्वारा निर्मित किया गया है। और दोस्तों फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म के अंदर रजनीकांत, खुशबू मीना, नयनतारा और दोस्तों कृति सुरेश ने अभिनय किया है, जबकि दोस्तों जगपति बाबू, प्रकाश राज और सूरी प्रमुख भूमिकाओं में फिल्म में नजर आए हुए हैं। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर के बारे में हम बात करें तो दोस्तों फिल्म के संगीत डी ईमान द्वारा तैयार किया गया है, जबकि दोस्तों फिल्म का छायांकन और संपादन क्रमश वेट्री और दोस्तों रूबेन द्वारा किया गया है। इसी के साथ दोस्तों अन्नाथे फिल्म की कहानी के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म की कहानी तंजावुर के एक सरपंच कल्याण के इर्द गिर्द घूमता है, जो दोस्तों अपनी बहन को एक व्यापारी और उसके बड़े भाई के चंगुल से बचाने के लिए हर संभव प्रयास करता है। दोस्तों फिल्म की आधिकारिक घोषणा अक्टूबर 2019 में की गई थी, जो शिव के साथ रजनीकांत का पहला सहयोग था। मुख्य फोटोग्राफी अभिनेता के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर 11 दिसंबर 2019 को शुरू हुई और दोस्तों सितंबर 2021 के भीतर पूरी हो चुकी थी। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म को भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के परिणाम स्वरूप शूटिंग प्रक्रिया 1.5 साल तक चली। दिसंबर 2020 के अंत में रजनीकांत के स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों के कारण दोस्तों फिल्म की निर्माण में देरी हुई और फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में की गई थी, जिसके कुछ दृश्य चेन्नई में शूट किया गया था। दोस्तों अन्नाथे को दिवाली के मौके पर 4 नवंबर 2021 को रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा देखने को मिली थी। इसके बावजूद दोस्तों ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे व्यावसायिक रूप से सफल रही और दोस्तों रिलीज होने पर इसने लगभग 175 से लेकर 240 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की और दोस्तों इसने तमिलनाडु बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ रुपए से अधिक का आंकड़ा भी पार कर लिया और इस तरह ये उपलब्धि हासिल करने वाली तीसरी फिल्म बन गई जो भारतीय दूतावास ने संस्कृति और दोस्तों पर्यटन को बढ़ावा देने के हिस्से के रूप में अर्जेंटीना में फिल्म की रिलीज की घोषणा किया गया था। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना। इसी के साथ दोस्तों बात करें फिल्म की कहानी के बारे में तो दोस्तों फिल्म के अंदर कलैया तंजुवार के सुरकोटे में एक स्थानीय ग्राम अध्यक्ष इंसान रहते हैं और वो दोस्तों गांव के रक्षक भी है, जो नैतिक जो है निष्पक्षता के आगे झुकते हैं और ये आदर्श उसे एक प्रतिद्वंदी ग्राम नेता नत्था दुरे के साथ संघर्ष करने के लिए प्रेरित करता है, जो दोस्तों लोगों को डराकर उन्हें नियंत्रित करके शासन करते हैं उन पर। जब दोस्तों नत्था दुरे एक बूढ़े व्यक्ति से जमीन हड़पने की कोशिश करता है तो वह अपने मामले की रक्षा के लिए पट्टामाल नाम के एक वकील को नियुक्त करता है इस काम के लिए। और दोस्तों आगे देखने को मिलता है कलैयान ने सच्चाई उजागर कर दी और पट्टामाल ने अपने ही मुवक्किल को धोखा दिया और दोस्तों मामला वापस ले लिया। पट्टामाल और कलैयान जल्द ही दोस्तों प्यार में पड़ जाते हैं। कलैयान की दुनिया उसकी बहन थंगा मीनाची के इर्द गिर्द घूमता है, जिसे दोस्तों उसने अपने माता पिता की मृत्यु के बाद उसे बहुत प्यार से पाला है। फिल्म में जब मीनाची अपनी शिक्षा पूरी करके घर लौटती है तो कलैयान को उसके लिए दूल्हा ढूंढने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों हर कोई उससे डरता है। फिल्म में कलैयान की परेशान चचेरी बहन ने यहाँ पे अंगयार कन्नी और दोस्तों उनके अलावा मगैयार करसी दोनों ने प्रस्ताव रखा कि उनके भाई जो है थंगा मीनाची से शादी करे और वह दोनों कलैयान से शादी करना चाहते थे, लेकिन वह सहमत नहीं थी इन दोनों से शादी करने के लिए, यानी कि किसी से भी शादी करने से सहमत नहीं थी। थंगा मीनाची की शादी नट्टा दुरई के छोटे भाई के साथ उसकी सहमति के बिना तय कर दी गई है।
शादी के दिन मीनाक्षी गायब हो जाती है घर से और दोस्तों बाद में पता चलता है कि वो भाग चुकी है घर से। शादी के दिन मीनाक्षी लापता हो जाती है। कल्याण एक खोजी दल भेजते हैं जो कॉलेज से अपने प्रेमी के साथ भागने की कोशिश कर रही मीनाक्षी को ट्रेन में पकड़ लिया जाता है। अपनी बहन के प्रति अपने प्यार से तंग आकर कल्याण मीनाक्षी को जाने की अनुमति देता है और रिश्तेदारों की ऑनर किलिंग की मांग को टाल देता है। मीनाक्षी अपने पति के साथ कोलकाता चली जाती है और दोस्तों वहां से कल्याण से उसका संपर्क टूट जाता है। कल्याण और दोस्तों भट्टामाल कोलकाता की यात्रा करते हैं। उसके बाद देखने को मिलता है कल्याण को पता चला कि उसकी बहन को गंभीर व्यक्ति जो है परेशान कर रहे हैं और चुपके से उसका पीछा करता है और उसे पता चलता है कि उसने एक गैंगस्टर से पैसा उधार लिया है। जब दोस्तों गैंगस्टर मीनाक्षी पर हमला करने की कोशिश करता है तो कल्याण चुपके से उसकी पिटाई कर देता है और मीनाक्षी को पट्टा माल के अपार्टमेंट में लेकर जाया जाता है। यहाँ दोस्तों वह सुरक्षित रूप से उस पर नज़र रख पाता है। आगे दोस्तों ठगों द्वारा मीनाक्षी को धमकी दी जाती है और दोस्तों वह बीमार पड़ जाता है। जब दोस्तों पट्टामाल अपनी दावा लेने के लिए घर से निकलता है तो ठग उस पर हमला कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों कल्याण उसे बचाती है और आगे देखने को मिलता है हमलावरों से पूछताछ किया जाता है और सच्चाई वहां से पता चलता है पट्टामाल को। आगे दोस्तों अतीत में ये पता चलता है। दोस्तों अतीत में जब मीनाक्षी और उसके पति ने कोलकाता में व्यवसाय शुरू किया था तो एक अमीर व्यापारी और अंडरवर्ल्ड डॉन मनोज परेकर ने उनसे संपर्क किया। मनोज उनके आधे शेयर खरीदना चाहते थे लेकिन मीनाक्षी के पति ने इनकार कर दिया शेयर को बेचने से। अगले हफ्ते में दोस्तों मीनाक्षी की फैक्ट्री में आग लग गई। उन्हें इसे दोस्तों बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा और दोस्तों यही नहीं बल्कि उसके पति को भी गिरफ्तार करवा दिया गया। जी हाँ दोस्तों उसके पति को मनगढ़ंत आरोपों के तहत गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस हिरासत में यातना दी जा रही थी। मीनाक्षी ने अपने पति को रिहा करवाने और अपनी कंपनी पर हस्ताक्षर करने के लिए मनोज से विनती की थी। मनोज ने दोस्तों उसे छुड़ाने से इनकार कर दिया था और जो भी उसकी मदद करने को तैयार हुआ उसकी हत्या करवा दे रहा था। वर्तमान समय में मीनाक्षी अभी भी पट्टा माल की मदद से अपने पति को रिहा करवाने की कोशिश कर रही है लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह गर्भवती भी है। ये सुनकर दोस्तों कल्याण बहुत खुश होता है और वह और यहाँ पे पट्टामाल उसके लिए एक गोद भराई का आयोजन भी करते हैं। कहानी में आगे देखने को मिलता है मीनाक्षी के दुर्भाग्य के पीछे की सच्चाई जानने के बाद कल्याण अपनी बहन को चारा के रूप में इस्तेमाल करके गैंगस्टरों को मारना चाहता था और दोस्तों मनोज जो है परेकर को नष्ट करने की कसम खाता है। अनाथे के दोस्तों यहाँ पे बता दें छमा नाम के तहत कल्याण और उसके गांव के दोस्त मनोज के कार्यालय पर धावा बोलता है और एक अल्टीमेटम जारी करता है जो उसके अधिक नाटक के बाद जो अनाथे ने मनोज को घेर लिया और दोस्तों उसे कागज पर अपने नाम पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जिसमें दोस्तों कहा गया था कि वह चुराई गई कंपनियों को उनके पूर्व मालिकों को वापस कर देगा। कल्याण ने मनोज की जान बखसने का इसके बाद फैसला किया। इसके आगे दोस्तों क्रोधित होकर अपमानित होकर मनोज अपने अलग हो चुके भाई जो है उद्धव परेकर से मिलने जाता है और अन्नाथे को खत्म करने की मांग करता है और फिर दोस्तों आत्महत्या कर लेता है। इसके बाद दोस्तों उद्धव मीनाक्षी का पता लगाया जाता है और उस पर जो है हमला करने के लिए लोगों को लाता है। दोस्तों इसके बाद कल्याण द्वारा निर्देशित की गई पट्टामाल उसे छुपाती है। पट्टामाल और दोस्तों मीनाक्षी का लोगों द्वारा तब तक जो है पीछा किया जाता है जब तक कि दोनों एक दुर्घटनाग्रस्त ऑटो रिक्शा से अलग नहीं हो जाते। कल्याण वहां आता है और दोस्तों उद्धव के सभी जो है आदमियों को पकड़ लेता है और दोस्तों उद्धव को मार डालता है जहां पे दोस्तों वह अंत तक खुद को जो है मीनाक्षी के सामने प्रकट करता है जो अपने भाई को हुई सभी जो है परेशानियों के लिए आंसू बहाते हुए माफी मांगता है उनसे। तो दोस्तों ये कहानी आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलती है। अक्टूबर 2019 के मध्य में मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था दरबार फिल्म 2020 की रिलीज के बाद रजनीकांत निर्देशक जो है शिव के साथ काम करेंगे लेकिन बाद में दोस्तों 11 अक्टूबर 2019 को कलानिधि मारन ने इसकी पुष्टि की जिसका दोस्तों प्रोडक्शन हाउस सन पिक्चर्स है। उद्यम को दोस्तों नियंत्रित करने वाली पिक्चर्स ने स्थायी रूप से इस परियोजना का शीर्षक जो है थलाइवर रखा 168 रखा क्योंकि दोस्तों ये रजनीकांत की 168वीं फिल्म परियोजना वाली मूवी थी। ये आपको बता दें एंडिरन और पेटा के बाद सन पिक्चर के साथ रजनीकांत का तीसरा सहयोग है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें संगीतकार डी ईमान जिन्होंने पहले निर्देशक के साथ विश्वासम फिल्म 2019 में काम किया था उनको फिल्म के लिए संगीत देने की सूचना मिली थी। नवंबर के मध्य में निर्माता द्वारा उनके शामिल किए जाने की पुष्टि की गई और यह बताया गया था कि फिल्म का शीर्षक जो है वियुगम और
मनोवन होगा। हालांकि दोस्तों टीम ने अफवाह का खंडन किया और फिल्म का शीर्षक अन्ना थे 24 फरवरी 2020 को सामने आया था। शिव के दोस्तों सामान्य तकनीकी दल वेटरी रूबेन मिलन और दोस्तों दिलीप जो सुब्बा रायन, जिन्होंने यहाँ पे सुब्बा रायन को छोड़कर निर्देशक की पिछली फिल्मों में काम किया था, क्योंकि दोस्तों उन्होंने शिव के साथ केवल जो है विश्वासम में काम किया था। उन्हें कर्मवश फिल्म का छायाकर संपादन कला निर्देशक और स्टंट कोरियोग्राफर बताया गया था। रजनीकांत ने दोस्तों अपनी फिल्म में कुछ पंच लाइनें लिखी थी, जिसकी वजह से प्रारंभ में अभिनेता को फिल्म के लिए उनके वेतन के रूप में 118 करोड़ का भुगतान करने की सूचना मिली थी। लेकिन दोस्तों कलानिधि मारन ने दरबार की विफलता के बाद उन्हें वेतन कम करने के लिए जोर दिया और दोस्तों रजनीकांत ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, तो वह इस परियोजना को बंद करने के लिए भी तैयार थे। काफी विचार विमर्श के बाद रजनीकांत ने बताया था कि वह अपना वेतन कम करने पर सहमत हो गए हैं। 23 अक्टूबर 2019 को कृति सुरेश को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका में अभिनय करने के लिए उनको साइन किया गया था इस फिल्म के अंदर। बाद में ये हास्य कलाकार सूरी को एक और प्रमुख भूमिका निभाने की सूचना मिली थी। सन पिक्चर्स द्वारा दोस्तों दिसंबर 2019 के मध्यम में 2019 के हफ्ते में सूरी और सुरेश को शामिल करने की पुष्टि की गई। बताया गया था कि कृति सुरेश फिल्म में रजनीकांत की सौतेली बहन की भूमिका निभाएंगी। दिसंबर 2019 में निर्माताओं ने यह भी पुष्टि किया था कि मीना और खुशबू भी फिल्म में होंगी। थलाइवर 168 में रजनीकांत की मुख्य महिला भूमिका निभाएंगी। प्रकाश राज और सतीश भी शूटिंग में शामिल होंगी, यह बताया गया था। इसके बाद दोस्तों प्रकाश राज और सतीश भी शूटिंग शुरू होने से पहले फिल्म के कलाकारों में शामिल हो गए। अभिनेता विश्वनाथ, जिन्होंने कवाली फिल्म 2016 में रजनीकांत के साथ काम किया था, कवाली 2016 में रजनीकांत के साथ जो है काम किया था, उनको भी कलाकारों में शामिल किया गया। और फाइनली 31 जनवरी 2020 को सन पिक्चर्स ने बाद में घोषणा किया था कि नयनतारा भी एक वकील की भूमिका निभाते हुए फिल्म के कलाकारों का हिस्सा होगी। अभिनेता दोस्तों आपको बता दें वेला राममूर्ति भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए कलाकारों में शामिल हो गए। और दोस्तों ऐसी खबरें थी कि तेलुगु अभिनेता गोपीचंद, लेकिन दोस्तों हालांकि अभिनेता ऐसे दाव का खंडन किया। जेके श्रॉफ के बारे में हम बात करें तो जेके श्रॉफ को फिल्म के नायक की भूमिका निभाने के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन मार्च 2021 में उनकी जगह जगपति बाबू ने इस फिल्म में ले ली। इसी के साथ दोस्तों मुख्य फोटोग्राफी के बारे में हम बात करें तो 11 दिसंबर 2019 को अभिनेता रजनीकांत के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर हुई चेन्नई में दोस्तों स्वर्ण टीवी नेटवर्क के कार्यालय में आयोजित किए गए पूजा समारोह में फिल्म के कलाकार और चालक दल उपस्थित थे। फिल्मांकन दोस्तों 18 दिसंबर 2019 को हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में एक गाने की शूटिंग के साथ दोस्तों शुरू हुआ, जबकि खुशबू फिल्मांकन शुरू होने के कुछ दिनों बाद अपने हिस्से की शूटिंग में शामिल हो गई। रजनीकांत के बारे में हम बात कर लेते दोस्तों, रजनीकांत कर्नाटक के बंदीपुर जंगल में मैन वर्सेज जो है वाइल्ड के एक एपिसोड की शूटिंग के लिए गए, जिसके परिणाम स्वरूप फिल्म की शूटिंग में देरी हुई। नयनतारा के शामिल होने की घोषणा बाद में अभिनेत्री ने फरवरी में 2020 में बताया और 2020 में सेट पर शामिल हुई। निर्माता ने इसके बाद हैदराबाद में दो शेड्यूल पूरे होने के बाद कोलकाता और पुणे में कुछ दिवसों की शूटिंग करने की योजना बनाई थी इसके बाद में, लेकिन दोस्तों कोविड-19 महामारी के डर के कारण इस विचार को छोड़ दिया गया और हैदराबाद में शूटिंग जारी रखने का फैसला किया गया, कंटिन्यू किया गया। इसके बाद दोस्तों महामारी के कारण फिल्मांकन आगे रुक गई। इसके बाद दोस्तों यह बताया गया था कि टीम जो है लॉकडाउन के बाद चेन्नई में कुछ दिवसों की शूटिंग करेगी, क्योंकि दोस्तों फिल्म की टीम को शूटिंग के लिए हैदराबाद जाना मुश्किल होगा बताया। और दोस्तों महामारी के बाद सरकार द्वारा फिल्म और दोस्तों टेलीविजन निर्माणों को फिर से शुरू करने की अनुमति दिए जाने के बाद अक्टूबर 2020 में अभिनेता रजनीकांत के सेट पर शामिल होने की सूचना मिली थी। हालांकि दोस्तों निर्माताओं ने टीम की यहां पर सुरक्षा का हवाला देते हुए फिल्म की शूटिंग नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया। इसके वजह से नवंबर 2020 के मध्य में निर्माता ने आधिकारिक तौर पर कहा था कि शूटिंग 15 दिसंबर 2020 को फिर से शुरू करेगा शूटिंग, और जिसमें दोस्तों रजनीकांत शेड्यूल में शामिल होंगे इसकी भी पुष्टि हो चुकी थी। आगे दोस्तों इस फिल्म की शूटिंग को जल्दी पूरा करने के लिए एक ही समय में पूरा होने की उम्मीद लगाया गया था। रजनीकांत 14 दिसंबर को हैदराबाद गए और निर्धारित तिथि से पहले शूटिंग शुरू कर दी, जिसमें दोस्तों नयनतारा फिल्म के सेट पर शामिल थी। सूत्रों ने दावा किया था कि अभिनेता के दोस्तों रजनीकांत में प्रवेश से पहले रजनीकांत ने फिल्म की शूटिंग पूरी करने के लिए 14 घंटे से अधिक जो समय बिताया था, लेकिन दोस्तों फिल्म की शूटिंग 23 दिसंबर 2020 को रोक दी गई थी।
इसके बाद दोस्तों बाद में जब जो है चालक दल के 8 सदस्यों को कोविड-19 का पता चला, हालांकि दोस्तों रजनीकांत ने इससे बेखबर थे और नकारात्मक परीक्षण इनका जब चेक किया गया था तो इनका पॉजिटिव रिजल्ट आया था। इसके बाद दोस्तों हैदराबाद में शौच हुए, यहाँ पे संरोध में चले गए थे, जहाँ पे दोस्तों बहरहाल रक्तपात में उतार चढ़ाव के कारण 25 दिसंबर को इनको भी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। अभिनेता रजनीकांत को रजनीकांत के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए निर्माता ने 15 मार्च 2021 को चेन्नई में शूटिंग फिर से शुरू करने की योजना बनाई। इसमें दोस्तों एक शेड्यूल 30 दिनों के भीतर शूट किया गया था। तमिलनाडु राज्य विधानसभा चुनाव के बाद दोस्तों रजनीकांत अप्रैल 2021 में अगले शेड्यूल की शूटिंग के लिए हैदराबाद चले गए। आगे दोस्तों बता दें, नाइट जो है कर्फ्यू और दोस्तों अन्य जो प्रतिबंधों के बावजूद फिल्म की शूटिंग तेजी से हुई, जिसकी वजह से टीम ने रजनीकांत पर आधारित जो है कुछ स्टंट दृश्यों की शूटिंग की। और दोस्तों रात के दृश्यों के लिए टीम ने सरकार के साथ साथ दोस्तों हैदराबाद पुलिस से रात के दृश्यों को शूट करने की अनुमति मांगी थी, जिसकी वजह से दोस्तों टीम ने तेज गति से फिल्मांकन करते समय सेट पर सुरक्षा जो है सुनिश्चित किया था फिल्म के लिए। साथ ही साथ दोस्तों नयनतारा अप्रैल 2021 के अंत में फिल्म की शूटिंग में शामिल हुई और दोस्तों रजनीकांत और नयनतारा के दृश्य 3 दिनों के भीतर शूट किया गया। 10 मई 2021 को ये घोषणा की गई थी कि रजनीकांत ने कुछ पैचवर्क दृश्यों को छोड़कर फिल्म के लिए अपने हिस्से का काम पूरा कर लिया है। फिल्म का अंतिम शेड्यूल जुलाई 2021 में चेन्नई के एक निजी स्टूडियो में हुआ था। दोस्तों अगस्त में छोटे हिस्सों को छोड़कर फिल्म के स्टंट दृश्यों को पूरा कर लिया गया था। रजनीकांत और खुशबू ने अपने हिस्से के लिए डबिंग शुरू कर दी थी और दोस्तों सितंबर 2021 तक फिल्म की अंतिम प्रतिक्रिया होने के साथ फिल्म को सार्वजनिक देखने के लिए केंद्रीय फिल्म फेयर प्रमाण बोर्ड CBSP को भेज दिया था, जहां दोस्तों फिल्म को बोर्ड से UA प्रमाण पत्र मिला। फिल्म का अंतिम समय 163 मिनट बताया जा रहा था। आगे दोस्तों प्रोग्राम में अन्नाथे को दशहरे के पूर्व संध्या पर 25 अक्टूबर 2020 के साथ रिलीज किया गया था। बाद में मई 2020 में सन पिक्चर्स ने घोषणा किया था कि फिल्म पोंगल 14 जनवरी 2021 के अवसर पर रिलीज होने वाली है, लेकिन दोस्तों कोविड-19 के वजह से इसको रोक दिया गया। इसके बाद दोस्तों 2021 में निर्माता ने घोषणा किया था कि ये फिल्म 4 नवंबर 2021 को दिवाली त्यौहार के अवसर पर रिलीज होगी। अन्नाथी ने दोस्तों बता दें, बुक माई शो पर 1.3 मिलियन टिकटों की बिक्री को पार कर लिया और इसी के साथ दोस्तों ये प्रकार उस वक्त सबसे अधिक बिकने वाला टिकट, सबसे ज़्यादा दोस्तों कोविड-19 महामारी के बाद मंच पर मिलन का आंकड़ा छूने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई। दोस्तों नाटकीय रिलीज से पहले रजनीकांत ने अपनी बेटी, इसके बाद दोस्तों सौंदर्य, रजनीकांत पोते यात्रा और लिंगा के साथ जो फिल्म का पहला शो देखा था। सौदारिया ने अपने नए जो है लॉन्च किए गए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हुट में फिल्म के बारे में अपनी समीक्षा साझा किया। लोगों ने दोस्तों अभी तक जो है ये नहीं देखा कि आपने जो है अन्नाथे शिवा में क्या देखा है, लेकिन मैंने इसे देखा, उन्होंने कहा। और फिल्म देखने के बाद मैं बाहर आया और दोस्तों आंसुओं के साथ जो है आपसे हाथ मिला रहा हूँ, उन्होंने बताया। एनिमी के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों एनिमी भारी मांग के कारण ये फिल्म दुनिया भर के 2100 से अधिक थिएटरों में रिलीज होगी बताया गया, जिसमें दोस्तों 900 थिएटर भारत के होंगे ऐसा भी कहा गया था। इसके बाद दोस्तों विदेशी केंद्रों में 1193 स्क्रीन पर रिलीज किया जाएगा। 19 लॉकडाउन के बाद किसी तमिल फिल्म के लिए सबसे ज़्यादा व्यापक था इस मूवी की रिलीज। इसके बाद दोस्तों इस फिल्म के स्क्रीन के बारे में हम बात कर ले तो 23 स्क्रीन यूनाइटेड किंगडम में लगाया गया था। इसके अलावा दोस्तों 35 स्क्रीन पूरे यूरोप में लगाया गया था इस फिल्म के शो के लिए। तो फैंस, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं साल 2021 में रिलीज हुई रजनीकांत की मोस्ट वेटेड मूवीज का नाम है अन्नाथे। दोस्तों ये फिल्म कौन सी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको दे रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बन रहिएगा। साथ ही साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अन्नाथे मूवीज की कहानी के बारे में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस फिल्म की कहानी कैसी है, क्या इस फिल्म को देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए 2023 में। अगर दोस्तों इस फिल्म को देखना चाहिए तो ये फिल्म आपको कौन सा यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगा या फिर कौन सी OTT प्लेटफॉर्म पे आपको ये फिल्म आसानी से हिंदी डब में देखने को मिल जाएगा, इसकी पूरी जानकारी आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको देंगे। तो दोस्तों अगर आप लोग अन्नाथे फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके और मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी किए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए।
तो चलिए दोस्तों अब हम ऐसे विस्तार में बात कर लेते हैं अन्नाते फिल्म के बारे में। बता दें दोस्तों ये फिल्म साल 2021 में रिलीज की गई भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जो शिव द्वारा लिखित किया गया है और निर्देशित किया गया है। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म को सन पिक्चर के तहत कलानिधि मारन द्वारा निर्मित किया गया है। और दोस्तों फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म के अंदर रजनीकांत, खुशबू मीना, नयनतारा और दोस्तों कृति सुरेश ने अभिनय किया है, जबकि दोस्तों जगपति बाबू, प्रकाश राज और सूरी प्रमुख भूमिकाओं में फिल्म में नजर आए हुए हैं। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर के बारे में हम बात करें तो दोस्तों फिल्म के संगीत डी ईमान द्वारा तैयार किया गया है, जबकि दोस्तों फिल्म का छायांकन और संपादन क्रमश वेट्री और दोस्तों रूबेन द्वारा किया गया है। इसी के साथ दोस्तों अन्नाते फिल्म की कहानी के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म की कहानी तंजावुर के एक सरपंच कल्याण के इर्द गिर्द घूमता है, जो दोस्तों अपनी बहन को एक व्यापारी और उसके बड़े भाई के चंगुल से बचाने के लिए हर संभव प्रयास करता है। दोस्तों फिल्म की आधिकारिक घोषणा अक्टूबर 2019 में की गई थी, जो शिव के साथ रजनीकांत का पहला सहयोग था। मुख्य फोटोग्राफी अभिनेता के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर 11 दिसंबर 2019 को शुरू हुई और दोस्तों सितंबर 2021 के भीतर पूरी हो चुकी थी। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म को भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के परिणाम स्वरूप शूटिंग प्रक्रिया 1.5 साल तक चली। दिसंबर 2020 के अंत में रजनीकांत के स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों के कारण दोस्तों फिल्म की निर्माण में देरी हुई और फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में की गई थी, जिसके कुछ दृश्य चेन्नई में शूट किया गया था। दोस्तों अन्नाते को दिवाली के मौके पर 4 नवंबर 2021 को रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा देखने को मिली थी। इसके बावजूद दोस्तों ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे व्यावसायिक रूप से सफल रही और दोस्तों रिलीज होने पर इसने लगभग 175 से लेकर 240 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की और दोस्तों इसने तमिलनाडु बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ रुपए से अधिक का आंकड़ा भी पार कर लिया और इस तरह ये उपलब्धि हासिल करने वाली तीसरी फिल्म बन गई जो भारतीय दूतावास ने संस्कृति और दोस्तों पर्यटन को बढ़ावा देने के हिस्से के रूप में अर्जेंटीना में फिल्म की रिलीज की घोषणा किया गया था। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना। इसी के साथ दोस्तों बात करें फिल्म की कहानी के बारे में तो दोस्तों फिल्म के अंदर कलैया तंजुवार के सुरकोटे में एक स्थानीय ग्राम अध्यक्ष इंसान रहते हैं और वो दोस्तों गांव के रक्षक भी है, जो नैतिक जो है निष्पक्षता के आगे झुकते हैं और ये आदर्श उसे एक प्रतिद्वंदी ग्राम नेता नत्था दुरई के साथ संघर्ष करने के लिए प्रेरित करता है, जो दोस्तों लोगों को डराकर उन्हें नियंत्रित करके शासन करते हैं उन पर। जब दोस्तों नत्था दुरई एक बूढ़े व्यक्ति से जमीन हड़पने की कोशिश करता है तो वह अपने मामले की रक्षा के लिए पट्टामाल नाम के एक वकील को नियुक्त करता है इस काम के लिए। और दोस्तों आगे देखने को मिलता है कलैयान ने सच्चाई उजागर कर दी और पट्टामाल ने अपने ही मुवक्किल को धोखा दिया और दोस्तों मामला वापस ले लिया। पट्टामाल और कलैयान जल्द ही दोस्तों प्यार में पड़ जाते हैं। कलैयान की दुनिया उसकी बहन थंगा मीनाचे के इर्द गिर्द घूमता है, जिसे दोस्तों उसने अपने माता पिता की मृत्यु के बाद उसे बहुत प्यार से पाला है। फिल्म में जब मीनाची अपनी शिक्षा पूरी करके घर लौटती है तो कलैयान को उसके लिए दूल्हा ढूंढने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों हर कोई उससे डरता है। फिल्म में कलैयान की परेशान चचेरी बहन ने यहाँ पे अंगयार कन्नी और दोस्तों उनके अलावा मगयार करसी दोनों ने प्रस्ताव रखा कि उनके भाई जो है थंगा मीनाची से शादी करे और वह दोनों कलैयान से शादी करना चाहते थे, लेकिन वह सहमत नहीं थी इन दोनों से शादी करने के लिए, यानी कि किसी से भी शादी करने से सहमत नहीं थी। थंगा मीनाची की शादी नट्टा दुरई के छोटे भाई के साथ उसकी सहमति के बिना तय कर दी गई है। शादी के दिन मीनाची गायब हो जाती है घर से और दोस्तों बाद में पता चलता है कि वह भाग चुकी है घर से। शादी के दिन मीनाची लापता हो जाती है। कलैयान एक खोजी दल भेजते हैं जो कॉलेज से अपने प्रेमी के साथ भागने की कोशिश कर रही मीनाची को ट्रेन में पकड़ लिया जाता है। अपनी बहन के प्रति अपने प्यार से तंग आकर कलैयान मीनाची को जाने की अनुमति देता है और रिश्तेदारों की ऑनर किलिंग की मांग को टाल देता है। मीनाची अपने पति के साथ कोलकाता चली जाती है और दोस्तों वहाँ से कलैयान से उसका संपर्क टूट जाता है। कलैयान और दोस्तों पट्टामाल कोलकाता की यात्रा करते हैं। उसके बाद देखने को मिलता है कलैयान को पता चला कि उसकी बहन को गंभीर व्यक्ति जो है परेशान कर रहे हैं और चुपके से उसका पीछा करता है और उसे पता चलता है कि उसने एक गैंगस्टर से पैसा उधार लिया है। जब दोस्तों गैंगस्टर मीनाची पर हमला करने की कोशिश करता है तो कलैयान चुपके से उसकी पिटाई कर देता है और मीनाची को पट्टा माल के अपार्टमेंट में लेकर जाया जाता है। यहाँ दोस्तों वह सुरक्षित रूप से उस पर नज़र रख पाता है।
आगे दोस्तों ठगों द्वारा मीनाक्षी को धमकी दी जाती है और दोस्तों वह बीमार पड़ जाता है। जब दोस्तों पट्टामाल अपनी दावा लेने के लिए घर से निकलता है तो ठग उस पर हमला कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों कल्याण उसे बचाती है और आगे देखने को मिलता है हमलावरों से पूछताछ किया जाता है और सच्चाई वहां से पता चलता है पट्टामाल को। आगे दोस्तों अतीत में ये पता चलता है, दोस्तों अतीत में जब मीनाक्षी और उसके पति ने कोलकाता में व्यवसाय शुरू किया था तो एक अमीर व्यापारी और अंडरवर्ल्ड डॉन मनोज पर्रिकर ने उनसे संपर्क किया। मनोज उनके आधे शेयर खरीदना चाहते थे लेकिन मीनाक्षी के पति ने इनकार कर दिया शेयर को बेचने से। अगले हफ्ते में दोस्तों मीनाक्षी की फैक्ट्री में आग लग गई, उन्हें इसे दोस्तों बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा और दोस्तों यही नहीं बल्कि उसके पति को भी गिरफ्तार करवा दिया गया। जहां दोस्तों उसके पति को मनगढ़ंत आरोपों के तहत गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस हिरासत में यातना दी जा रही थी। मीनाक्षी ने अपने पति को रिहा करवाने और अपनी कंपनी पर हस्ताक्षर करने के लिए मनोज से विनती की थी। मनोज ने दोस्तों उसे छुड़ाने से इनकार कर दिया था और जो भी उसकी मदद करने को तैयार हुआ उसकी हत्या करवा दे रहा था। वर्तमान समय में मीनाक्षी अभी भी पट्टामाल की मदद से अपने पति को रिहा करवाने की कोशिश कर रही है लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह गर्भवती भी है। ये सुनकर दोस्तों कल्याण बहुत खुश होता है और वह और यहाँ पे पट्टामाल उसके लिए एक गोद भराई का आयोजन भी करते हैं। कहानी में आगे देखने को मिलता है मीनाक्षी के दुर्भाग्य के पीछे की सच्चाई जानने के बाद कल्याण अपनी बहन को चारा के रूप में इस्तेमाल करके गैंगस्टरों को मारना चाहता था और दोस्तों मनोज जो है पर्रिकर को नष्ट करने की कसम खाता है। अनाथे के दोस्तों यहाँ पे बता दें क्षमा नाम के तहत कल्याण और उसके गांव के दोस्त मनोज के कार्यालय पर धावा बोलता है और एक अल्टीमेटम जारी करता है जो उसके अधिक नाटक के बाद जो अन्नाथे ने मनोज को घेर लिया और दोस्तों उसे कागज पर अपने नाम पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। इसमें दोस्तों कहा गया था कि वह चुराई गई कंपनियों को उनके पूर्व मालिकों को वापस कर देगा। कल्याण ने मनोज की जान बख्शने का इसके बाद फैसला किया। इसके आगे दोस्तों क्रोधित होकर अपमानित होकर मनोज अपने अलग हो चुके भाई जो है उद्धव पर्रिकर से मिलने जाता है और अन्नाथे को खत्म करने की मांग करता है और फिर दोस्तों आत्महत्या कर लेता है। इसके बाद दोस्तों उद्धव मीनाक्षी का पता लगाया जाता है और उस पर जो है हमला करने के लिए लोगों को लाता है। दोस्तों इसके बाद कल्याण द्वारा निर्देशित की गई पट्टामाल उसे छुपाती है। पट्टामाल और दोस्तों मीनाक्षी का लोगों द्वारा तब तक जो है पीछा किया जाता है जब तक कि दोनों एक दुर्घटनाग्रस्त ऑटो रिक्शा से अलग नहीं हो जाते। कल्याण वहां आता है और दोस्तों उद्धव के सभी जो है आदमियों को पकड़ लेता है और दोस्तों उद्धव को मार डालता है जहाँ पे दोस्तों वो अंत तक खुद को जो है मीनाक्षी के सामने प्रकट करता है जो अपने भाई को हुई सभी जो है परेशानियों के लिए आंसू बहाते हुए माफी मांगता है उनसे। तो दोस्तों ये कहानी आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलती है। अक्टूबर 2019 के मध्य में मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था दरबार फिल्म 2020 की रिलीज के बाद रजनीकांत निर्देशक जो है शिव के साथ काम करेंगे लेकिन बाद में दोस्तों 11 अक्टूबर 2019 को कलानिधि मारन ने इसकी पुष्टि की जिसका दोस्तों प्रोडक्शन हाउस सन पिक्चर्स है। उद्यम को दोस्तों नियंत्रित करने वाली पिक्चर्स ने स्थायी रूप से इस परियोजना का शीर्षक जो है थलाइवर रखा 168 रखा क्योंकि दोस्तों ये रजनीकांत की 168वीं फिल्म परियोजना वाली मूवी थी। ये आपको बता दें एंडीरन और पेटा के बाद सन पिक्चर के साथ रजनीकांत का तीसरा सहयोग है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें संगीतकार डी ईमान जिन्होंने पहले निर्देशक के साथ विश्वासम फिल्म 2019 में काम किया था उनको फिल्म के लिए संगीत देने की सूचना मिली थी। नवंबर के मध्य में निर्माता द्वारा उनके शामिल किए जाने की पुष्टि की गई और यह बताया गया था कि फिल्म का शीर्षक जो है वियुगम और मनोवन होगा। हालांकि दोस्तों टीम ने अफवाह का खंडन किया और फिल्म का शीर्षक अन्नाथे 24 फरवरी 2020 को सामने आया था। शिव के दोस्तों सामान्य तकनीकी दल वेटरी रूबेन मिलन और दोस्तों दिलीप जो है सुब्बा रायन जिन्होंने यहाँ पे सुब्बा रायन को छोड़कर निर्देशक की पिछली फिल्मों में काम किया था क्योंकि दोस्तों उन्होंने शिव के साथ केवल जो है विश्वासम में काम किया था। उन्हें कर्माश फिल्म का छायाकर संपादन कला निर्देशक और स्टन कोरियोग्राफर बताया गया था। रजनीकांत ने दोस्तों अपनी फिल्म में कुछ पंच लाइनें लिखी थी जिसकी वजह से प्रारंभ में अभिनेता को फिल्म के लिए उनके वेतन के रूप में 118 करोड़ का भुगतान करने की सूचना मिली थी लेकिन दोस्तों कलानिधि मारन ने दरबार की विफलता के बाद उन्हें वेतन कम करने के लिए जोर दिया और दोस्तों रजनीकांत ने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो वह इस परियोजना को बंद करने के लिए भी तैयार थे। काफी विचार विमर्श के बाद रजनीकांत ने बताया था कि वह अपना वेतन कम करने पर सहमत हो गए हैं। 23 अक्टूबर 2019 को कृति सुरेश को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए
एक महत्वपूर्ण भूमिका में अभिनय करने के लिए उनको साइन किया गया था इस फिल्म के अंदर। बाद में ये हास्य कलाकार सूरी को एक और प्रमुख भूमिका निभाने की सूचना मिली थी। सन पिक्चर्स द्वारा दोस्तों दिसंबर 2019 के मध्यम में 2019 के हफ्ते में सूरी और सुरेश को शामिल करने की पुष्टि की गई। बताया गया था कि कीर्ति सुरेश फिल्म में रजनीकांत की सौतेली बहन की भूमिका निभाएंगी। दिसंबर 2019 में निर्माताओं ने यह भी पुष्टि किया था कि मीना और खुशबू भी फिल्म में होंगी। थलाइवर 168 में रजनीकांत की मुख्य महिला भूमिका निभाएंगी। प्रकाश राज और सतीश भी शूटिंग में शामिल होंगे, यह बताया गया था। इसके बाद दोस्तों प्रकाश राज और सतीश भी शूटिंग शुरू होने से पहले फिल्म के कलाकारों में शामिल हो गए। अभिनेता विश्वनाथ, जिन्होंने कवाली फिल्म 2016 में रजनीकांत के साथ काम किया था, कवाली 2016 में रजनीकांत के साथ जो है काम किया था, उनको भी कलाकारों में शामिल किया गया। और फाइनली 31 जनवरी 2020 को सन पिक्चर्स ने बाद में घोषणा किया था कि नयनतारा भी एक वकील की भूमिका निभाते हुए फिल्म के कलाकारों का हिस्सा होगी। अभिनेता दोस्तों आपको बता दें, वेला राम मूर्ति भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए कलाकारों में शामिल हो गए। और दोस्तों ऐसी खबरें थी कि तेलुगु अभिनेता गोपी चंद, लेकिन दोस्तों हालांकि अभिनेता ऐसे दाव का खंडन किया। जेके श्रॉफ के बारे में हम बात करें तो जेके श्रॉफ को फिल्म के नायक की भूमिका निभाने के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन मार्च 2021 में उनकी जगह जगपति बाबू ने इस फिल्म में ले ली। इसी के साथ दोस्तों मुख्य फोटोग्राफी के बारे में हम बात करें तो 11 दिसंबर 2019 को अभिनेता रजनीकांत के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर हुई चेन्नई में दोस्तों स्वर्ण टीवी नेटवर्क के कार्यालय में आयोजित किए गए पूजा समारोह में फिल्म के कलाकार और चालक दल उपस्थित थे। फिल्मांकन दोस्तों 18 दिसंबर 2019 को हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में एक गाने की शूटिंग के साथ दोस्तों शुरू हुआ, जबकि खुशबू फिल्मांकन शुरू होने के कुछ दिनों बाद अपने हिस्से की शूटिंग में शामिल हो गई। रजनीकांत के बारे में हम बात कर लेते दोस्तों, रजनीकांत कर्नाटक के बंदीपुर जंगल में मैन वर्सेज जो है वाइल्ड के एक एपिसोड की शूटिंग के लिए गए, जिसके परिणाम स्वरूप फिल्म की शूटिंग में देरी हुई। नयनतारा के शामिल होने की घोषणा बाद में अभिनेत्री ने फरवरी में 2020 में बताया और 2020 में सेट पर शामिल हुई। निर्माता ने इसके बाद हैदराबाद में दो शेड्यूल पूरे होने के बाद कोलकाता और पुणे में कुछ दृश्यों की शूटिंग करने की योजना बनाई थी इसके बाद में, लेकिन दोस्तों कोविड-19 महामारी के डर के कारण इस विचार को छोड़ दिया गया और हैदराबाद में शूटिंग जारी रखने का फैसला किया गया, कंटिन्यू किया गया। इसके बाद दोस्तों महामारी के कारण फिल्मांकन आगे रुक गई। इसके बाद दोस्तों यह बताया गया था कि टीम जो है लॉकडाउन के बाद चेन्नई में कुछ दिवसों की शूटिंग करेगी, क्योंकि दोस्तों फिल्म की टीम को शूटिंग के लिए हैदराबाद जाना मुश्किल होगा बताया। और दोस्तों महामारी के बाद सरकार द्वारा फिल्म और दोस्तों टेलीविजन निर्माणों को फिर से शुरू करने की अनुमति दिए जाने के बाद अक्टूबर 2020 में अभिनेता रजनीकांत के सेट पर शामिल होने की सूचना मिली थी। हालांकि दोस्तों निर्माताओं ने टीम की यहां पर सुरक्षा का हवाला देते हुए फिल्म की शूटिंग नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया। इसके वजह से नवंबर 2020 के मध्य में निर्माता ने आधिकारिक तौर पर कहा था कि शूटिंग 15 दिसंबर 2020 को फिर से शुरू करेगा शूटिंग, और जिसमें दोस्तों रजनीकांत शेड्यूल में शामिल होंगे इसकी भी पुष्टि हो चुकी थी। आगे दोस्तों इस फिल्म की शूटिंग को जल्दी पूरा करने के लिए एक ही समय में पूरा होने की उम्मीद लगाया गया था। रजनीकांत 14 दिसंबर को हैदराबाद गए और निर्धारित तिथि से पहले शूटिंग शुरू कर दी, जिसमें दोस्तों नयनतारा फिल्म के सेट पर शामिल थी। सूत्रों ने दावा किया था कि अभिनेता के जन्मदिन के दोस्तों रजनीकांत में प्रवेश से पहले रजनीकांत ने फिल्म की शूटिंग पूरी करने के लिए 14 घंटे से अधिक जो समय बिताया था, लेकिन दोस्तों फिल्म की शूटिंग 23 दिसंबर 2020 को रोक दी गई थी। इसके बाद दोस्तों बाद में जब जो है चालक दल के 8 सदस्यों को कोविड-19 का पता चला, हालांकि दोस्तों रजनीकांत ने इससे बेखबर थे और नकारात्मक परीक्षण इनका जब चेक किया गया था तो इनका पॉजिटिव रिजल्ट आया था। इसके बाद दोस्तों हैदराबाद में शो जो है यहाँ पे संगरोध में चले गए थे, जहाँ पे दोस्तों बहरहाल रक्तपात में उतार चढ़ाव के कारण 25 दिसंबर को इनको भी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। अभिनेता रजनीकांत को रजनीकांत के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए निर्माता ने 15 मार्च 2021 को चेन्नई में शूटिंग फिर से शुरू करने की योजना बनाई। इसमें दोस्तों एक शेड्यूल 30 दिनों के भीतर शूट किया गया था। तमिलनाडु राज्य विधानसभा चुनाव के बाद दोस्तों रजनीकांत अप्रैल 2021 में अगले शेड्यूल की शूटिंग के लिए हैदराबाद चले गए। आगे दोस्तों बता दें, नाइट जो है कर्फ्यू और दोस्तों अन्य जो है प्रतिबंधों के बावजूद फिल्म की शूटिंग तेजी से हुई, जिसकी वजह से टीम ने रजनीकांत पर आधारित जो है कुछ स्टंट दृश्यों की शूटिंग की और दोस्तों रात के दृश्यों के लिए
टीम ने सरकार के साथ साथ दोस्तों हैदराबाद पुलिस से रात के दृश्यों को शूट करने की अनुमति मांगी थी, जिसकी वजह से दोस्तों टीम ने तेज गति से फिल्मांकन करते समय सेट पर सुरक्षा जो सुनिश्चित किया था फिल्म के लिए। साथ ही साथ दोस्तों नयनतारा अप्रैल 2021 के अंत में फिल्म की शूटिंग में शामिल हुई और दोस्तों रजनीकांत और नयनतारा के दृश्य 3 दिनों के भीतर शूट किया गया। 10 मई 2021 को ये घोषणा की गई थी कि रजनीकांत ने कुछ पैचवर्क दृश्यों को छोड़कर फिल्म के लिए अपने हिस्से का काम पूरा कर लिया है। फिल्म का अंतिम शेड्यूल जुलाई 2021 में चेन्नई के एक निजी स्टूडियो में हुआ था। दोस्तों अगस्त में छोटे हिस्सों को छोड़कर फिल्म के स्टंट दृश्यों को पूरा कर लिया गया था। रजनीकांत और खुशबू ने अपने हिस्से के लिए डबिंग शुरू कर दी थी और दोस्तों सितंबर 2021 तक फिल्म की अंतिम प्रतिक्रिया होने के साथ फिल्म को सार्वजनिक देखने के लिए केंद्रीय फिल्म फेयर प्रमाण बोर्ड CBSP को भेज दिया था, जहां दोस्तों फिल्म को बोर्ड से UA प्रमाण पत्र मिला। फिल्म का अंतिम समय 163 मिनट बताया जा रहा था। आगे दोस्तों प्रोग्राम में अन्नाथे को दशहरे के पूर्व संध्या पर 25 अक्टूबर 2020 के साथ रिलीज किया गया था। बाद में मई 2020 में सन पिक्चर्स ने घोषणा किया था कि फिल्म पोंगल 14 जनवरी 2021 के अवसर पर रिलीज होने वाली है, लेकिन दोस्तों कोविड-19 के वजह से इसको रोक दिया गया। इसके बाद दोस्तों 2021 में निर्माता ने घोषणा किया था कि ये फिल्म 4 नवंबर 2021 को दिवाली त्यौहार के अवसर पर रिलीज होगी। अन्नाथी ने दोस्तों बता दें बुक माई शो पर 1.3 मिलियन टिकटों की बिक्री को पार कर लिया और इसी के साथ दोस्तों ये प्रकार उस वक्त सबसे अधिक बिकने वाला टिकट सबसे ज़्यादा दोस्तों कोविड-19 महामारी के बाद मंच पर मिलन का आंकड़ा छूने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई। दोस्तों नाटकीय रिलीज से पहले रजनीकांत ने अपनी बेटी, इसके बाद दोस्तों सौंदर्य, रजनीकांत पोते यात्रा और लिंगा के साथ जो फिल्म का पहला शो देखा था। सौदार्या ने अपने नए जो है लॉन्च किए गए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हुट में फिल्म के बारे में अपनी समीक्षा साझा किया। लोगों ने दोस्तों अभी तक जो ये नहीं देखा कि आपने जो है अन्नाथे सिवा में क्या देखा है, लेकिन मैंने इसे देखा, उन्होंने कहा। और फिल्म देखने के बाद मैं बाहर आया और दोस्तों आंसुओं के साथ जो है आपसे हाथ मिला रहा हूँ, उन्होंने बताया। एनिमी के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों एनिमी भारी मांग के कारण ये फिल्म दुनिया भर के 2100 से अधिक थिएटरों में रिलीज होगी बताया गया, जिसमें दोस्तों 900 थिएटर भारत के होंगे ऐसा भी कहा गया था। इसके बाद दोस्तों विदेशी केंद्रों में 1193 स्क्रीन पर रिलीज किया जाएगा। 19 लॉकडाउन के बाद किसी तमिल फिल्म के लिए सबसे ज़्यादा व्यापक था इस मूवी की रिलीज। इसके बाद दोस्तों इस फिल्म के स्क्रीन के बारे में हम बात कर ले तो 23 स्क्रीन यूनाइटेड किंगडम में लगाया गया था। इसके अलावा दोस्तों 35 स्क्रीन पूरे यूरोप में लगाया गया था इस फिल्म के शो के लिए। तो फैंस इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं साल 2021 में रिलीज हुई रजनीकांत की मोस्ट वेटेड मूवीज का नाम है अन्नाथे। दोस्तों ये फिल्म कौन से आपको कहां पे देखने को मिलेगा पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको दे रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बन रहिएगा। साथ ही साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अन्नाथे मूवीज की कहानी के बारे में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस फिल्म की कहानी कैसी है, क्या इस फिल्म को देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए 2023 में। अगर दोस्तों इस फिल्म को देखना चाहिए तो ये फिल्म आपको कौन सा यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगा या फिर कौन सी OTT प्लेटफॉर्म पे आपको ये फिल्म आसानी से हिंदी डब में देखने को मिल जाएगा, इसकी पूरी जानकारी आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको देंगे। तो दोस्तों अगर आप लोग अन्नाथे फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके और मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देर किए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। तो चलिए दोस्तों अब हम ऐसे विस्तार में बात कर लेते हैं अन्नाथे फिल्म के बारे में। बता दें दोस्तों ये फिल्म साल 2021 में रिलीज की गई भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जो शिव द्वारा लिखित किया गया है और निर्देशित किया गया है। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म को सन पिक्चर के तहत कलानिधि मारन द्वारा निर्मित किया गया है। और दोस्तों फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म के अंदर रजनीकांत, खुशबू, मीना, नयनतारा और दोस्तों कृति सुरेश ने अभिनय किया है, जबकि दोस्तों जगपति बाबू, प्रकाश राज और सूरी प्रमुख भूमिकाओं में फिल्म में नजर आए हुए हैं। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर के बारे में हम बात करें तो दोस्तों फिल्म के संगीत डी ईमान द्वारा तैयार किया गया है, जबकि दोस्तों फिल्म का छायांकन और संपादन क्रमश वेट्री और दोस्तों रूबेन द्वारा किया गया है। इसी के साथ दोस्तों अन्नाथे फिल्म की कहानी के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म की कहानी तंजावुर के एक सरपंच कल्याण के इर्द गिर्द घूमता है, जो दोस्तों अपनी बहन को एक व्यापारी और उसके बड़े भाई के चंगुल से बचाने के लिए हर संभव प्रयास करता है।
दोस्तों फिल्म की आधिकारिक घोषणा अक्टूबर 2019 में की गई थी, जो शिव के साथ रजनीकांत का पहला सहयोग था। मुख्य फोटोग्राफी अभिनेता के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर 11 दिसंबर 2019 को शुरू हुई और दोस्तों सितंबर 2021 के भीतर पूरी हो चुकी थी। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म को भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के परिणाम स्वरूप शूटिंग प्रक्रिया 1.5 साल तक चली। दिसंबर 2020 के अंत में रजनीकांत के स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों के कारण दोस्तों फिल्म की निर्माण में देरी हुई और फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में की गई थी, जिसके कुछ दृश्य चेन्नई में शूट किया गया था। दोस्तों अन्नाथे को दिवाली के मौके पर 4 नवंबर 2021 को रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा देखने को मिली थी। इसके बावजूद दोस्तों ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे व्यावसायिक रूप से सफल रही और दोस्तों रिलीज होने पर इसने लगभग 175 से लेकर 240 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की और दोस्तों इसने तमिलनाडु बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ रुपए से अधिक का आंकड़ा भी पार कर लिया और इस तरह ये उपलब्धि हासिल करने वाली तीसरी फिल्म बन गई जो भारतीय दूतावास ने संस्कृति और दोस्तों पर्यटन को बढ़ावा देने के हिस्से के रूप में अर्जेंटीना में फिल्म की रिलीज की घोषणा किया गया था। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इसी के साथ दोस्तों बात करें फिल्म की कहानी के बारे में, तो दोस्तों फिल्म के अंदर कलैया तंजुवार के सुराकोटे में एक स्थानीय ग्राम अध्यक्ष इंसान रहते हैं और वो दोस्तों गांव के रक्षक भी है, जो नैतिक जो है निष्पक्षता के आगे झुकते हैं और ये आदर्श उसे एक प्रतिद्वंदी ग्राम नेता नत्थर दुरे के साथ संघर्ष करने के लिए प्रेरित करता है, जो दोस्तों लोगों को डराकर उन्हें नियंत्रित करके शासन करते हैं उन पर। जब दोस्तों नत्थर दुरे एक बूढ़े व्यक्ति से जमीन हड़पने की कोशिश करता है तो वह अपने मामले की रक्षा के लिए पट्टामाल नाम के एक वकील को नियुक्त करता है इस काम के लिए। और दोस्तों आगे देखने को मिलता है कलैयान ने सच्चाई उजागर कर दी और पट्टामाल ने अपने ही मुवक्किल को धोखा दिया और दोस्तों मामला वापस ले लिया। पट्टामाल और कलैयान जल्द ही दोस्तों प्यार में पड़ जाते हैं। कलैयान की दुनिया उसकी बहन थंगा मीनाचे के इर्द गिर्द घूमता है, जिसे दोस्तों उसने अपने माता पिता की मृत्यु के बाद उसे बहुत प्यार से पाला है। फिल्म में जब मीनाची अपनी शिक्षा पूरी करके घर लौटती है तो कलैयान को उसके लिए दूल्हा ढूंढने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों हर कोई उससे डरता है। फिल्म में कलैयान की परेशान चचेरी बहन ने यहाँ पे अंगयार करनी और दोस्तों उनके अलावा मगयार करसी दोनों ने प्रस्ताव रखा कि उनके भाई जो है थंगा मीनाची से शादी करे और वह दोनों कलैयान से शादी करना चाहते थे, लेकिन वह सहमत नहीं थी इन दोनों से शादी करने के लिए, यानी कि किसी से भी शादी करने से सहमत नहीं थी। थंगा मीनाची की शादी नट्टा दुरई के छोटे भाई के साथ उसकी सहमति के बिना तय कर दी गई है। शादी के दिन मीनाची गायब हो जाती है घर से और दोस्तों बाद में पता चलता है कि वह भाग चुकी है घर से। शादी के दिन मीनाची लापता हो जाती है। कलैयान एक खोजी दल भेजते हैं जो कॉलेज से अपने प्रेमी के साथ भागने की कोशिश कर रही मीनाची को ट्रेन में पकड़ लिया जाता है। अपनी बहन के प्रति अपने प्यार से तंग आकर कलैयान मीनाची को जाने की अनुमति देता है और रिश्तेदारों की ऑनर किलिंग की मांग को टाल देता है। मीनाची अपने पति के साथ कोलकाता चली जाती है और दोस्तों वहां से कलैयान से उसका संपर्क टूट जाता है। कलैयान और दोस्तों पट्टामाल कोलकाता की यात्रा करते हैं। उसके बाद देखने को मिलता है कलैयान को पता चला कि उसकी बहन को गंभीर व्यक्ति जो है परेशान कर रहे हैं और चुपके से उसका पीछा करता है और उसे पता चलता है कि उसने एक गैंगस्टर से पैसा उधार लिया है। जब दोस्तों गैंगस्टर मीनाची पर हमला करने की कोशिश करता है तो कलैयान चुपके से उसकी पिटाई कर देता है और मीनाची को पट्टा माल के अपार्टमेंट में लेकर जाया जाता है। यहाँ दोस्तों वह सुरक्षित रूप से उस पर नज़र रख पाता है। आगे दोस्तों ठगों द्वारा मीनाची को धमकी दी जाती है और दोस्तों वह बीमार पड़ जाता है। जब दोस्तों पट्टामाल अपनी दावा लेने के लिए घर से निकलता है तो ठग उस पर हमला कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों कलैयान उसे बचाती है और आगे देखने को मिलता है हमलावरों से पूछताछ किया जाता है और सच्चाई वहां से पता चलता है पट्टामाल को। आगे दोस्तों अतीत में ये पता चलता है, दोस्तों अतीत में जब मीनाची और उसके पति ने कोलकाता में व्यवसाय शुरू किया था तो एक अमीर व्यापारी और अंडरवर्ल्ड डॉन मनोज परेकर ने उनसे संपर्क किया। मनोज उनके आधे शेयर खरीदना चाहते थे लेकिन मीनाची के पति ने इनकार कर दिया शेयर को बेचने से। अगले हफ्ते में दोस्तों मीनाची की फैक्ट्री में आग लग गई, उन्हें इसे दोस्तों बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा और दोस्तों यही नहीं बल्कि उसके पति को भी गिरफ्तार करवा दिया गया। जी हाँ दोस्तों, उसके पति को मनगढ़ंत आरोपों के तहत गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस हिरासत में यातना दी जा रही थी। मीनाची ने अपने पति को रिहा करवाने और अपनी कंपनी पर हस्ताक्षर करने के लिए मनोज से विनती की थी।
मनोज ने दोस्तों उसे छुड़ाने से इनकार कर दिया था और जो भी उसकी मदद करने को तैयार हुआ उसकी हत्या करवा दे रहा था। वर्तमान समय में मीनाक्षी अभी भी पट्टा माल की मदद से अपने पति को रिहा करवाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह गर्भवती भी है। ये सुनकर दोस्तों कल्याण बहुत खुश होता है और वह और यहाँ पे पट्टामाल उसके लिए एक गोद भराई का आयोजन भी करते हैं। कहानी में आगे देखने को मिलता है मीनाक्षी के दुर्भाग्य के पीछे की सच्चाई जानने के बाद कल्याण अपनी बहन को चारा के रूप में इस्तेमाल करके गैंगस्टरों को मारना चाहता था और दोस्तों मनोज जो है पर्रिकर को नष्ट करने की कसम खाता है। अनाथे के दोस्तों यहाँ पे बता दें क्षमा नाम के तहत कल्याण और उसके गांव के दोस्त मनोज के कार्यालय पर धावा बोलता है और एक अल्टीमेटम जारी करता है जो उसके अधिक नाटक के बाद जो अनाथे ने मनोज को घेर लिया और दोस्तों उसे कागज पर अपने नाम पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। इसमें दोस्तों कहा गया था कि वह चुराई गई कंपनियों को उनके पूर्व मालिकों को वापस कर देगा। कल्याण ने मनोज की जान बख्शने का इसके बाद फैसला किया। इसके आगे दोस्तों क्रोधित होकर अपमानित होकर मनोज अपने अलग हो चुके भाई जो है उद्धव पर्रिकर से मिलने जाता है और अनाथे को खत्म करने की मांग करता है और फिर दोस्तों आत्महत्या कर लेता है। इसके बाद दोस्तों उद्धव मीनाक्षी का पता लगाया जाता है और उस पर जो है हमला करने के लिए लोगों को लाता है। दोस्तों इसके बाद कल्याण द्वारा निर्देशित की गई पट्टामाल उसे छुपाती है। पट्टामाल और दोस्तों मीनाक्षी का लोगों द्वारा तब तक जो है पीछा किया जाता है जब तक कि दोनों एक दुर्घटनाग्रस्त ऑटो रिक्शा से अलग नहीं हो जाते। कल्याण वहां आता है और दोस्तों उद्धव के सभी जो है आदमियों को पकड़ लेता है और दोस्तों उद्धव को मार डालता है, जहाँ पे दोस्तों वह अंत तक खुद को जो है मीनाक्षी के सामने प्रकट करता है, जो अपने भाई को हुई सभी जो है परेशानियों के लिए आंसू बहाते हुए माफी मांगता है उनसे। तो दोस्तों ये कहानी आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलती है। अक्टूबर 2019 के मध्य में मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था दरबार फिल्म 2020 के रिलीज के बाद रजनीकांत निर्देशक जो है शिव के साथ काम करेंगे, लेकिन बाद में दोस्तों 11 अक्टूबर 2019 को कलानिधि मारन ने इसकी पुष्टि की, जिसका दोस्तों प्रोडक्शन हाउस सन पिक्चर्स है। उद्यम को दोस्तों नियंत्रित करने वाली पिक्चर्स ने स्थायी रूप से इस परियोजना का शीर्षक जो है थलाइवर रखा 168 रखा, क्योंकि दोस्तों ये रजनीकांत की 168वीं फिल्म परियोजना वाली मूवी थी। ये आपको बता दें एंडिरन और पेटा के बाद सन पिक्चर के साथ रजनीकांत का तीसरा सहयोग है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें संगीतकार डी ईमान जिन्होंने पहले निर्देशक के साथ विश्वासम फिल्म 2019 में काम किया था उनको फिल्म के लिए संगीत देने की सूचना मिली थी। नवंबर के मध्य में निर्माता द्वारा उनके शामिल किए जाने की पुष्टि की गई और यह बताया गया था कि फिल्म का शीर्षक जो है वियुगम और मनोवन होगा। हालांकि दोस्तों टीम ने अफवाह का खंडन किया और फिल्म का शीर्षक अन्नाथे 24 फरवरी 2020 को सामने आया था। शिव के दोस्तों सामान्य तकनीकी दल वेटरी रूबेन मिलन और दोस्तों दिलीप जो है सुब्बा रायन जिन्होंने यहाँ पे सुब्बा रायन को छोड़कर निर्देशक की पिछली फिल्मों में काम किया था, क्योंकि दोस्तों उन्होंने शिव के साथ केवल जो है विश्वासम में काम किया था। उन्हें कर्मवश फिल्म का छायाकर संपादन कला निर्देशक और स्टंट कोरियोग्राफर बताया गया था। रजनीकांत ने दोस्तों अपनी फिल्म में कुछ पंच लाइनें लिखी थी, जिसकी वजह से प्रारंभ में अभिनेता को फिल्म के लिए उनके वेतन के रूप में 118 करोड़ का भुगतान करने की सूचना मिली थी, लेकिन दोस्तों कलानिधि मारन ने दरबार की विफलता के बाद उन्हें वेतन कम करने के लिए जोर दिया और दोस्तों रजनीकांत ने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो वह इस परियोजना को बंद करने के लिए भी तैयार थे। काफी विचार विमर्श के बाद रजनीकांत ने बताया था कि वो अपना वेतन कम करने पर सहमत हो गए हैं। 23 अक्टूबर 2019 को कृति सुरेश को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका में अभिनय करने के लिए उनको साइन किया गया था इस फिल्म के अंदर। बाद में ये हास्य कलाकार सूरी को एक और प्रमुख भूमिका निभाने की सूचना मिली थी। सन पिक्चर्स द्वारा दोस्तों दिसंबर 2019 के मध्य में 2019 के हफ्ते में सूरी और सुरेश को शामिल करने की पुष्टि की गई। बताया गया था कि कृति सुरेश फिल्म में रजनीकांत की सौतेली बहन की भूमिका निभाएंगी। दिसंबर 2019 में निर्माताओं ने यह भी पुष्टि किया था कि मीना और खुशबू भी फिल्म में होंगी। थलाइवर 168 में रजनीकांत की मुख्य महिला भूमिका निभाएंगी। प्रकाश राज और सतीश भी शूटिंग में शामिल होंगी, यही बताया गया था। इसके बाद दोस्तों प्रकाश राज और सतीश भी शूटिंग शुरू होने से पहले फिल्म के कलाकारों में शामिल हो गए। अभिनेता विश्वनाथ जिन्होंने कवाली फिल्म 2016 में रजनीकांत के साथ काम किया था, कवाली 2016 में रजनीकांत के साथ जो है काम किया था उनको भी कलाकारों में शामिल किया गया। और फाइनली 31 जनवरी 2020 को सन पिक्चर्स ने बाद में
घोषणा किया था कि नयनतारा भी एक वकील की भूमिका निभाते हुए फिल्म के कलाकारों का हिस्सा होगी। अभिनेता दोस्तों आपको बता दें वेला राममूर्ति भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए कलाकारों में शामिल हो गए। और दोस्तों ऐसी खबरें थी कि तेलुगु अभिनेता गोपीचंद, लेकिन दोस्तों हालांकि अभिनेता ऐसे दाव का खंडन किया। जेके श्रॉफ के बारे में हम बात करें तो जेके श्रॉफ को फिल्म के नायक की भूमिका निभाने के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन मार्च 2021 में उनकी जगह जगपति बाबू ने इस फिल्म में ले ली। इसी के साथ दोस्तों मुख्य फोटोग्राफी के बारे में हम बात करें तो 11 दिसंबर 2019 को अभिनेता रजनीकांत के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर हुई चेन्नई में दोस्तों स्वर्ण टीवी नेटवर्क के कार्यालय में आयोजित किए गए पूजा समारोह में फिल्म के कलाकार और चालक दल उपस्थित थे। फिल्मांकन दोस्तों 18 दिसंबर 2019 को हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में एक गाने की शूटिंग के साथ दोस्तों शुरू हुआ, जबकि खुशबू फिल्मांकन शुरू होने के कुछ दिनों बाद अपने हिस्से की शूटिंग में शामिल हो गई। रजनीकांत के बारे में हम बात कर लेते दोस्तों, रजनीकांत कर्नाटक के बंदीपुर जंगल में मैन वर्सेस जो है वाइल्ड के एक एपिसोड की शूटिंग के लिए गए, जिसके परिणाम स्वरूप फिल्म की शूटिंग में देरी हुई। नयनतारा के शामिल होने की घोषणा बाद में अभिनेत्री ने फरवरी में 2020 में बताया और 2020 में सेट पर शामिल हुई। निर्माता ने इसके बाद हैदराबाद में दो शेड्यूल पूरे होने के बाद कोलकाता और पुणे में कुछ दिवसों की शूटिंग करने की योजना बनाई थी इसके बाद में, लेकिन दोस्तों कोविड-19 महामारी के डर के कारण इस विचार को छोड़ दिया गया और हैदराबाद में शूटिंग जारी रखने का फैसला किया गया, कंटिन्यू किया गया। इसके बाद दोस्तों महामारी के कारण फिल्मांकन आगे रुक गई। इसके बाद दोस्तों यह बताया गया था कि टीम जो है लॉकडाउन के बाद चेन्नई में कुछ दिवसों की शूटिंग करेगी, क्योंकि दोस्तों फिल्म की टीम को शूटिंग के लिए हैदराबाद जाना मुश्किल होगा बताया। और दोस्तों महामारी के बाद सरकार द्वारा फिल्म और दोस्तों टेलीविजन निर्माणों को फिर से शुरू करने की अनुमति दिए जाने के बाद अक्टूबर 2020 में अभिनेता रजनीकांत के सेट पर शामिल होने की सूचना मिली थी। हालांकि दोस्तों निर्माताओं ने टीम की यहां पे सुरक्षा का हवाला देते हुए फिल्म की शूटिंग नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया। इसके वजह से नवंबर 2020 के मध्य में निर्माता ने आधिकारिक तौर पर कहा था कि शूटिंग 15 दिसंबर 2020 को फिर से शुरू करेगा शूटिंग, और जिसमें दोस्तों रजनीकांत शेड्यूल में शामिल होंगे इसकी भी पुष्टि हो चुकी थी। आगे दोस्तों इस फिल्म की शूटिंग को जल्दी पूरा करने के लिए एक ही समय में पूरा होने की उम्मीद लगाया गया था। रजनीकांत 14 दिसंबर को हैदराबाद गए और निर्धारित तिथि से पहले शूटिंग शुरू कर दी, जिसमें दोस्तों नयनतारा फिल्म के सेट पर शामिल थी। सूत्रों ने दावा किया था कि अभिनेता के दोस्तों रजनीकांत में प्रवेश से पहले रजनीकांत ने फिल्म की शूटिंग पूरी करने के लिए 14 घंटे से अधिक जो समय बिताया था, लेकिन दोस्तों फिल्म की शूटिंग 23 दिसंबर 2020 को रोक दी गई थी। इसके बाद दोस्तों बाद में जब जो है चालक दल के 8 सदस्यों को कोविड-19 का पता चला, हालांकि दोस्तों रजनीकांत ने इससे बेखबर थे और नकारात्मक परीक्षण इनका जब चेक किया गया था तो इनका पॉजिटिव रिजल्ट आया था। इसके बाद दोस्तों हैदराबाद में शो जो है यहाँ पे संरोध में चले गए थे, जहाँ पे दोस्तों बहरहाल रक्तपात में उतार चढ़ाव के कारण 25 दिसंबर को इनको भी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। अभिनेता रजनीकांत को रजनीकांत के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए निर्माता ने 15 मार्च 2021 को चेन्नई में शूटिंग फिर से शुरू करने की योजना बनाई। इसमें दोस्तों एक शेड्यूल 30 दिनों के भीतर शूट किया गया था। तमिलनाडु राज्य विधानसभा चुनाव के बाद दोस्तों रजनीकांत अप्रैल 2021 में अगले शेड्यूल की शूटिंग के लिए हैदराबाद चले गए। आगे दोस्तों बता दें नाइट जो है कर्फ्यू और दोस्तों अन्य जो प्रतिबंधों के बावजूद फिल्म की शूटिंग तेजी से हुई, जिसकी वजह से टीम ने रजनीकांत पर आधारित जो है कुछ स्टंट दृश्यों की शूटिंग की। और दोस्तों रात के दृश्यों के लिए टीम ने सरकार के साथ साथ दोस्तों हैदराबाद पुलिस से रात के दृश्यों को शूट करने की अनुमति मांगी थी, जिसकी वजह से दोस्तों टीम ने तेज गति से फिल्मांकन करते समय सेट पर सुरक्षा जो सुनिश्चित किया था फिल्म के लिए। साथ ही साथ दोस्तों नयनतारा अप्रैल 2021 के अंत में फिल्म की शूटिंग में शामिल हुई और दोस्तों रजनीकांत और नयनतारा के दृश्य 3 दिनों के भीतर शूट किया गया। 10 मई 2021 को ये घोषणा की गई थी कि रजनीकांत ने कुछ पैचवर्क दृश्यों को छोड़कर फिल्म के लिए अपने हिस्से का काम पूरा कर लिया है। फिल्म का अंतिम शेड्यूल जुलाई 2021 में चेन्नई के एक निजी स्टूडियो में हुआ था। दोस्तों अगस्त में छोटे हिस्सों को छोड़कर फिल्म के स्टंट दृश्यों को पूरा कर लिया गया था। रजनीकांत और खुशबू ने अपने हिस्से के लिए डबिंग शुरू कर दी थी और दोस्तों सितंबर 2021 तक फिल्म की अंतिम प्रतिक्रिया होने के साथ फिल्म को सार्वजनिक देखने के लिए केंद्रीय फिल्म फेयर प्रमाण बोर्ड CBSP को भेज दिया था, जहां दोस्तों फिल्म को बोर्ड से UA प्रमाण पत्र मिला। फिल्म का अंतिम समय 163 मिनट बताया जा रहा था।
आगे दोस्तों प्रारंभ में अन्नाथे को दशहरे के पूर्व संध्या पर 25 अक्टूबर 2020 के साथ रिलीज किया गया था। बाद में मई 2020 में सन पिक्चर्स ने घोषणा किया था कि फिल्म पोंगल 14 जनवरी 2021 के अवसर पर रिलीज होने वाली है, लेकिन दोस्तों कोविड-19 के वजह से इसको रोक दिया गया। इसके बाद दोस्तों 2021 में निर्माता ने घोषणा किया था कि ये फिल्म 4 नवंबर 2021 को दिवाली त्यौहार के अवसर पर रिलीज होगी। अन्नाथे ने दोस्तों बता दें बुक माई शो पर 1.3 मिलियन टिकटों की बिक्री को पार कर लिया और इसी के साथ दोस्तों ये प्रकार उस वक्त सबसे अधिक बिकने वाला टिकट, सबसे ज्यादा दोस्तों कोविड-19 महामारी के बाद मंच पर मिलियन का आंकड़ा छूने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई। दोस्तों नाटकीय रिलीज से पहले रजनीकांत ने अपनी बेटी, इसके बाद दोस्तों सौंदर्य, रजनीकांत पोते, यात्रा और लिंगा के साथ जो फिल्म का पहला शो देखा था। सौंदर्य ने अपने नए जो है लॉन्च किए गए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हुटमी फिल्म के बारे में अपनी समीक्षा साझा किया। लोगों ने दोस्तों अभी तक जो ये नहीं देखा कि आपने जो है अन्नाथे शिवा में क्या देखा है, लेकिन मैंने इसे देखा उन्होंने कहा, और फिल्म देखने के बाद मैं बाहर आया और दोस्तों आंसुओं के साथ जो है आपसे हाथ मिला रहा हूं, उन्होंने बताया। एनिमी के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों एनिमी भारी मांग के कारण ये फिल्म दुनिया भर के 2100 से अधिक थिएटरों में रिलीज होगी बताया गया, जिसमें दोस्तों 900 थिएटर भारत के होंगे ऐसा भी कहा गया था। इसके बाद दोस्तों विदेशी केंद्रों में 1193 स्क्रीन पर रिलीज किया जाएगा। 19 लॉकडाउन के बाद किसी तमिल फिल्म के लिए सबसे ज्यादा व्यापक था इस मूवी की रिलीज। इसके बाद दोस्तों इस फिल्म के स्क्रीन के बारे में हम बात कर ले तो 23 स्क्रीन यूनाइटेड किंगडम में लगाया गया था। इसके अलावा दोस्तों 35 स्क्रीन पूरे यूरोप में लगाया गया था इस फिल्म के शो के लिए। तो फैंस इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं साल 2021 में रिलीज हुई रजनीकांत की मोस्ट वेटेड मूवीज का नाम है अन्नाथे। दोस्तों ये फिल्म कौन सी आपको कहां पे देखने को मिलेगा पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको दे रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अन्नाथे मूवीज की कहानी के बारे में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस फिल्म की कहानी कैसी है, क्या इस फिल्म को देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए 2023 में। अगर दोस्तों इस फिल्म को देखना चाहिए तो ये फिल्म आपको कौन सा यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगा या फिर कौन सी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आपको ये फिल्म आसानी से हिंदी डब में देखने को मिल जाएगा, इसकी पूरी जानकारी आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको देंगे। तो दोस्तों अगर आप लोग अन्नाथे फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके और मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी किए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। तो चलिए दोस्तों अब हम ऐसे विस्तार में बात कर लेते हैं अन्नाथे फिल्म के बारे में। बता दें दोस्तों ये फिल्म साल 2021 में रिलीज की गई भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जो शिव द्वारा लिखित किया गया है और निर्देशित किया गया है। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म को सन पिक्चर के तहत कलानिधि मारन द्वारा निर्मित किया गया है। और दोस्तों फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म के अंदर रजनीकांत, खुशबू मीना, नयनतारा और दोस्तों कृति सुरेश ने अभिनय किया है, जबकि दोस्तों जगपति बाबू, प्रकाश राज और सूरी प्रमुख भूमिकाओं में फिल्म में नजर आए हुए हैं। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर के बारे में हम बात करें तो दोस्तों फिल्म के संगीत डी ईमान द्वारा तैयार किया गया है, जबकि दोस्तों फिल्म का छायांकन और संपादन क्रोमस वेट्री और दोस्तों रूबेन द्वारा किया गया है। इसी के साथ दोस्तों अन्नाथे फिल्म की कहानी के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म की कहानी तंजावुर के एक सरपंच कल्याण के इर्द गिर्द घूमता है, जो दोस्तों अपनी बहन को एक व्यापारी और उसके बड़े भाई के चंगुल से बचाने के लिए हर संभव प्रयास करता है। दोस्तों फिल्म की आधिकारिक घोषणा अक्टूबर 2019 में की गई थी, जो शिव के साथ रजनीकांत का पहला सहयोग था। मुख्य फोटोग्राफी अभिनेता के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर 11 दिसंबर 2019 को शुरू हुई और दोस्तों सितंबर 2021 के भीतर पूरी हो चुकी थी। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म को भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के परिणाम स्वरूप शूटिंग प्रक्रिया 1.5 साल तक चली। दिसंबर 2020 के अंत में रजनीकांत के स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों के कारण दोस्तों फिल्म की निर्माण में देरी हुई और फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में की गई थी, इसके कुछ दृश्य चेन्नई में शूट किया गया था। दोस्तों अन्नाथे को दिवाली के मौके पर 4 नवंबर 2021 को रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा देखने को मिली थी। इसके बावजूद दोस्तों ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे व्यावसायिक रूप से सफल रही और दोस्तों रिलीज होने पर इसने लगभग 175 से लेकर 240 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की और दोस्तों इसने तमिलनाडु बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ रुपए से अधिक का आंकड़ा भी पार कर लिया और इस तरह ये उपलब्धि हासिल करने वाली
तीसरी फिल्म बन गई जो भारतीय दूतावास ने संस्कृति और दोस्तों पर्यटन को बढ़ावा देने के हिस्से के रूप में अर्जेंटीना में फिल्म की रिलीज की घोषणा किया गया था। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इसी के साथ दोस्तों बात करें फिल्म की कहानी के बारे में, तो दोस्तों फिल्म के अंदर कलैया तंजवार के सुराकोटे में एक स्थानीय ग्राम अध्यक्ष इंसान रहते हैं और वो दोस्तों गांव के रक्षक भी है जो नैतिक जो है निष्पक्षता के आगे झुकते हैं और ये आदर्श उसे एक प्रतिद्वंदी ग्राम नेता नत्था दुरई के साथ संघर्ष करने के लिए प्रेरित करता है जो दोस्तों लोगों को डराकर उन्हें नियंत्रित करके शासन करते हैं उन पर। जब दोस्तों नत्था दुरई एक बूढ़े व्यक्ति से जमीन हड़पने की कोशिश करता है तो वह अपने मामले की रक्षा के लिए पट्टामाल नाम के एक वकील को नियुक्त करता है इस काम के लिए। और दोस्तों आगे देखने को मिलता है कलैयान ने सच्चाई उजागर कर दी और पट्टामाल ने अपने ही मुवक्किल को धोखा दिया और दोस्तों मामला वापस ले लिया। पट्टामाल और कलैयान जल्द ही दोस्तों प्यार में पड़ जाते हैं। कलैयान की दुनिया उसकी बहन थंगा मीनाची के इर्द गिर्द घूमता है जिसे दोस्तों उसने अपने माता पिता की मृत्यु के बाद उसे बहुत प्यार से पाला है। फिल्म में जब मीनाची अपनी शिक्षा पूरी करके घर लौटती है तो कलैयान को उसके लिए दूल्हा ढूंढने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है क्योंकि दोस्तों हर कोई उससे डरता है। फिल्म में कलैयान की परेशान चचेरी बहन ने यहाँ पे अंगयार कन्नी और दोस्तों उनके अलावा मगयार करसी दोनों ने प्रस्ताव रखा कि उनके भाई जो है थंगा मीनाची से शादी करे और वह दोनों कलैयान से शादी करना चाहते थे लेकिन वह सहमत नहीं थी इन दोनों से शादी करने के लिए, यानी कि किसी से भी शादी करने से सहमत नहीं थी। थंगा मीनाची की शादी नट्टा दुरई के छोटे भाई के साथ उसकी सहमति के बिना तय कर दी गई है। शादी के दिन मीनाची गायब हो जाती है घर से और दोस्तों बाद में पता चलता है कि वह भाग चुकी है घर से। शादी के दिन मीनाची लापता हो जाती है। कलैयान एक खोजी दल भेजते हैं जो कॉलेज से अपने प्रेमी के साथ भागने की कोशिश कर रही मीनाची को ट्रेन में पकड़ लिया जाता है। अपनी बहन के प्रति अपने प्यार से तंग आकर कलैयान मीनाची को जाने की अनुमति देता है और रिश्तेदारों की ऑनर किलिंग की मांग को टाल देता है। मीनाची अपने पति के साथ कोलकाता चली जाती है और दोस्तों वहां से कलैयान से उसका संपर्क टूट जाता है। कलैयान और दोस्तों पट्टामाल कोलकाता की यात्रा करते हैं। उसके बाद देखने को मिलता है कलैयान को पता चला कि उसकी बहन को गंभीर व्यक्ति जो है परेशान कर रहे हैं और चुपके से उसका पीछा करता है और उसे पता चलता है कि उसने एक गैंगस्टर से पैसा उधार लिया है। जब दोस्तों गैंगस्टर मीनाची पर हमला करने की कोशिश करता है तो कलैयान चुपके से उसकी पिटाई कर देता है और मीनाची को पट्टा माल के अपार्टमेंट में लेकर जाया जाता है। यहाँ दोस्तों वह सुरक्षित रूप से उस पर नज़र रख पाता है। आगे दोस्तों ठगों द्वारा मीनाची को धमकी दी जाती है और दोस्तों वह बीमार पड़ जाता है। जब दोस्तों पट्टामाल अपनी दावा लेने के लिए घर से निकलता है तो ठग उस पर हमला कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों कलैयान उसे बचाती है और आगे देखने को मिलता है हमलावरों से पूछताछ किया जाता है और सच्चाई वहां से पता चलता है पट्टामाल को। आगे दोस्तों अतीत में ये पता चलता है, दोस्तों अतीत में जब मीनाची और उसके पति ने कोलकाता में व्यवसाय शुरू किया था तो एक अमीर व्यापारी और अंडरवर्ल्ड डॉन मनोज परेकर ने उनसे संपर्क किया। मनोज उनके आधे शेयर खरीदना चाहते थे लेकिन मीनाची के पति ने इनकार कर दिया शेयर को बेचने से। अगले हफ्ते में दोस्तों मीनाची की फैक्ट्री में आग लग गई, उन्हें इसे दोस्तों बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा और दोस्तों यही नहीं बल्कि उसके पति को भी गिरफ्तार करवा दिया गया। जी हाँ दोस्तों, उसके पति को मनगढ़ंत आरोपों के तहत गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस हिरासत में यातना दी जा रही थी। मीनाची ने अपने पति को रिहा करवाने और अपनी कंपनी पर हस्ताक्षर करने के लिए मनोज से विनती की थी। मनोज ने दोस्तों उसे छुड़ाने से इनकार कर दिया था और जो भी उसकी मदद करने को तैयार हुआ उसकी हत्या करवा दे रहा था। वर्तमान समय में मीनाची अभी भी पट्टामाल की मदद से अपने पति को रिहा करवाने की कोशिश कर रही है लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह गर्भवती भी है। ये सुनकर दोस्तों कलैयान बहुत खुश होता है और वह और यहाँ पे पट्टामाल उसके लिए एक गोद भराई का आयोजन भी करते हैं। कहानी में आगे देखने को मिलता है मीनाची के दुर्भाग्य के पीछे की सच्चाई जानने के बाद कलैयान अपनी बहन को चारा के रूप में इस्तेमाल करके गैंगस्टरों को मारना चाहता था और दोस्तों मनोज जो है परेकर को नष्ट करने की कसम खाता है। अनाथे के दोस्तों यहाँ पे बता दें छमा नाम के तहत कलैयान और उसके गांव के दोस्त मनोज के कार्यालय पर धावा बोलता है और एक अल्टीमेटम जारी करता है जो उसके अधिक नाटक के बाद जो अन्नाथे ने मनोज को घेर लिया और दोस्तों उसे कागज पर अपने नाम पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जिसमें दोस्तों कहा गया था कि वह चुराई गई कंपनियों को उनके पूर्व मालिकों को वापस कर देगा। कलैयान ने मनोज की जान बख्शने का इसके बाद फैसला किया।
इसके आगे दोस्तों क्रोधित होकर अपमानित होकर मनोज अपने अलग हो चुके भाई जो है उद्धव पर्रिकर से मिलने जाता है और अनाथे को खत्म करने की मांग करता है और फिर दोस्तों आत्महत्या कर लेता है। इसके बाद दोस्तों उद्धव मीनाक्षी का पता लगाया जाता है और उस पर जो है हमला करने के लिए लोगों को लाता है। दोस्तों इसके बाद कल्याण द्वारा निर्देशित की गई पट्टामाल उसे छुपाती है। पट्टामाल और दोस्तों मीनाक्षी का लोगों द्वारा तब तक जो है पीछा किया जाता है जब तक कि दोनों एक दुर्घटनाग्रस्त ऑटो रिक्शा से अलग नहीं हो जाते। कल्याण वहां आता है और दोस्तों उद्धव के सभी जो है आदमियों को पकड़ लेता है और दोस्तों उद्धव को मार डालता है, जहां पे दोस्तों वो अंत तक खुद को जो है मीनाक्षी के सामने प्रकट करता है, जो अपने भाई को हुई सभी जो है परेशानियों के लिए आंसू बहाते हुए माफ़ी मांगता है उनसे। तो दोस्तों ये कहानी आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलती है। अक्टूबर 2019 के मध्य में मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था दरबार फिल्म 2020 की रिलीज के बाद रजनीकांत निर्देशक जो है शिव के साथ काम करेंगे, लेकिन बाद में दोस्तों 11 अक्टूबर 2019 को कलानिधि मारन ने इसकी पुष्टि की, जिसका दोस्तों प्रोडक्शन हाउस सन पिक्चर्स है। उद्धव को दोस्तों नियंत्रित करने वाली पिक्चर्स ने स्थायी रूप से इस परियोजना का शीर्षक जो है थलाई पर रखा 168 रखा, क्योंकि दोस्तों ये रजनीकांत की 168वीं फिल्म परियोजना वाली मूवी थी। ये आपको बता दें एंडीरन और पेटा के बाद सन पिक्चर के साथ रजनीकांत का तीसरा सहयोग है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें संगीतकार डी ईमान जिन्होंने पहले निर्देशक के साथ विश्वासम फिल्म 2019 में काम किया था उनको फिल्म के लिए संगीत देने की सूचना मिली थी। नवंबर के मध्य में निर्माता द्वारा उनके शामिल किए जाने की पुष्टि की गई और यह बताया गया था कि फिल्म का शीर्षक जो है वियुगम और मनोवन होगा। हालांकि दोस्तों टीम ने अफवाह का खंडन किया और फिल्म का शीर्षक अन्नाथ 24 फरवरी 2020 को सामने आया था। शिव के दोस्तों सामान्य तकनीकी दल वेटरी रूबेन मिलन और दोस्तों दिलीप जो है सुब्बा रायन जिन्होंने यहाँ पे सुब्बा रायन को छोड़कर निर्देशक की पिछली फिल्मों में काम किया था, क्योंकि दोस्तों उन्होंने शिव के साथ केवल जो है विश्वासम में काम किया था। उन्हें कर्माश फिल्म का छायाकर संपादन कला निर्देशक और स्टन कोरियोग्राफर बताया गया था। रजनीकांत ने दोस्तों अपनी फिल्म में कुछ पंच लाइनें लिखी थी, जिसकी वजह से प्रारंभ में अभिनेता को फिल्म के लिए उनके वेतन के रूप में 118 करोड़ का भुगतान करने की सूचना मिली थी, लेकिन दोस्तों कलानिधि मारन ने दरबार की विफलता के बाद उन्हें वेतन कम करने के लिए जोर दिया और दोस्तों रजनीकांत ने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो वह इस परियोजना को बंद करने के लिए भी तैयार थे। काफी विचार विमर्श के बाद रजनीकांत ने बताया था कि वो अपना वेतन कम करने पर सहमत हो गए हैं। 23 अक्टूबर 2019 को कृति सुरेश को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका में अभिनय करने के लिए उनको साइन किया गया था इस फिल्म के अंदर। बाद में ये हास्य कलाकार सूरी को एक और प्रमुख भूमिका निभाने की सूचना मिली थी। सन पिक्चर्स द्वारा दोस्तों दिसंबर 2019 के मध्य में 2019 के हफ्ते में सूरी और सुरेश को शामिल करने की पुष्टि की गई। बताया गया था कि कृति सुरेश फिल्म में रजनीकांत की सौतेली बहन की भूमिका निभाएंगी। दिसंबर 2019 में निर्माताओं ने यह भी पुष्टि किया था कि मीना और खुशबू भी फिल्म में होंगी। थलाई पर 168 में रजनीकांत की मुख्य महिला भूमिका निभाएंगी। प्रकाश राज और सतीश भी शूटिंग में शामिल होंगी, यही बताया गया था। इसके बाद दोस्तों प्रकाश राज और सतीश भी शूटिंग शुरू होने से पहले फिल्म के कलाकारों में शामिल हो गए। अभिनेता विश्वनाथ जिन्होंने कवाली फिल्म 2016 में रजनीकांत के साथ काम किया था, कवाली 2016 में रजनीकांत के साथ जो है काम किया था उनको भी कलाकारों में शामिल किया गया। और फाइनली 31 जनवरी 2020 को सन पिक्चर्स ने बाद में घोषणा किया था कि नयनतारा भी एक वकील की भूमिका निभाते हुए फिल्म के कलाकारों का हिस्सा होगी। अभिनेता दोस्तों आपको बता दें वेला राममूर्ति भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए कलाकारों में शामिल हो गए। और दोस्तों ऐसी खबरें थी कि तेलुगु अभिनेता गोपीचंद, लेकिन दोस्तों हालांकि अभिनेता ऐसे दाव का खंडन किया। जेकी श्रॉफ के बारे में हम बात करें तो जेकी श्रॉफ को फिल्म के नायक की भूमिका निभाने के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन मार्च 2021 में उनकी जगह जगपति बाबू ने इस फिल्म में ले ली। इसी के साथ दोस्तों मुख्य फोटोग्राफी के बारे में हम बात करें तो 11 दिसंबर 2019 को अभिनेता रजनीकांत के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर हुई चेन्नई में दोस्तों स्वर्ण टीवी नेटवर्क के कार्यालय में आयोजित किए गए पूजा समारोह में फिल्म के कलाकार और चालक दल उपस्थित थे। फिल्मांकन दोस्तों 18 दिसंबर 2019 को हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में एक गाने की शूटिंग के साथ दोस्तों शुरू हुआ, जबकि खुशबू फिल्मांकन शुरू होने के कुछ दिनों बाद अपने हिस्से की शूटिंग में शामिल हो गई। रजनीकांत के बारे में हम बात कर लेते दोस्तों, रजनीकांत कर्नाटक के बंदीपुर जंगल में मैन वर्सेज जो है
वाइल्ड के एक एपिसोड की शूटिंग के लिए गए, जिसके परिणाम स्वरूप फिल्म की शूटिंग में देरी हुई। नयनतारा के शामिल होने की घोषणा बाद में अभिनेत्री ने फरवरी में 2020 में बताया और 2020 में सेट पर शामिल हुई। निर्माता ने इसके बाद हैदराबाद में दो शेड्यूल पूरे होने के बाद कोलकाता और पुणे में कुछ दृश्यों की शूटिंग करने की योजना बनाई थी इसके बाद में, लेकिन दोस्तों कोविड-19 महामारी के डर के कारण इस विचार को छोड़ दिया गया और हैदराबाद में शूटिंग जारी रखने का फैसला किया गया, कंटिन्यू किया गया। इसके बाद दोस्तों महामारी के कारण फिल्मांकन आगे रुक गई। इसके बाद दोस्तों यह बताया गया था कि टीम जो है लॉकडाउन के बाद चेन्नई में कुछ दिवसों की शूटिंग करेगी, क्योंकि दोस्तों फिल्म की टीम को शूटिंग के लिए हैदराबाद जाना मुश्किल होगा बताया। और दोस्तों महामारी के बाद सरकार द्वारा फिल्म और दोस्तों टेलीविजन निर्माणों को फिर से शुरू करने की अनुमति दिए जाने के बाद अक्टूबर 2020 में अभिनेता रजनीकांत के सेट पर शामिल होने की सूचना मिली थी। हालांकि दोस्तों निर्माताओं ने टीम की यहाँ पे सुरक्षा का हवाला देते हुए फिल्म की शूटिंग नवम्बर तक के लिए स्थगित कर दिया। इसके वजह से नवंबर 2020 के मध्य में निर्माता ने अधिकारिक तौर पर कहा था कि शूटिंग 15 दिसंबर 2020 को फिर से शुरू करेगा शूटिंग, और जिसमें दोस्तों रजनीकांत शेड्यूल में शामिल होंगे इसकी भी पुष्टि हो चुकी थी। आगे दोस्तों इस फिल्म की शूटिंग को जल्दी पूरा करने के लिए एक ही समय में पूरा होने की उम्मीद लगाया गया था। रजनीकांत 14 दिसंबर को हैदराबाद गए और निर्धारित तिथि से पहले शूटिंग शुरू कर दी, जिसमें दोस्तों नयनतारा फिल्म के सेट पर शामिल थी। सूत्रों ने दावा किया था कि अभिनेता के दोस्तों रजनीकांत में प्रवेश से पहले रजनीकांत ने फिल्म की शूटिंग पूरी करने के लिए 14 घंटे से अधिक जो समय बिताया था, लेकिन दोस्तों फिल्म की शूटिंग 23 दिसंबर 2020 को रोक दी गई थी। इसके बाद दोस्तों बाद में जब जो है चालक दल के 8 सदस्यों को कोविड-19 का पता चला, हालांकि दोस्तों रजनीकांत ने इससे बेखबर थे और नकारात्मक परीक्षण इनका जब चेक किया गया था तो इनका पॉजिटिव रिजल्ट आया था। इसके बाद दोस्तों हैदराबाद में शौच हुए, यहाँ पे संगरोध में चले गए थे, जहाँ पे दोस्तों बहरहाल रक्तपात में उतार चढ़ाव के कारण 25 दिसंबर को इनको भी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। अभिनेता रजनीकांत को रजनीकांत के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए निर्माता ने 15 मार्च 2021 को चेन्नई में शूटिंग फिर से शुरू करने की योजना बनाई। इसमें दोस्तों एक शेड्यूल 30 दिनों के भीतर शूट किया गया था। तमिलनाडु राज्य विधानसभा चुनाव के बाद दोस्तों रजनीकांत अप्रैल 2021 में अगले शेड्यूल की शूटिंग के लिए हैदराबाद चले गए। आगे दोस्तों बता दें नाइट जो है कर्फ्यू और दोस्तों अन्य जो है प्रतिबंधों के बावजूद फिल्म की शूटिंग तेजी से हुई, जिसकी वजह से टीम ने रजनीकांत पर आधारित जो है कुछ स्टंट दृश्यों की शूटिंग की। और दोस्तों रात के दृश्यों के लिए टीम ने सरकार के साथ साथ दोस्तों हैदराबाद पुलिस से रात के दृश्यों को शूट करने की अनुमति मांगी थी, जिसकी वजह से दोस्तों टीम ने तेज गति से फिल्मांकन करते समय सेट पर सुरक्षा जो सुनिश्चित किया था फिल्म के लिए। साथ ही साथ दोस्तों नयनतारा अप्रैल 2021 के अंत में फिल्म की शूटिंग में शामिल हुई और दोस्तों रजनीकांत और नयनतारा के दृश्य 3 दिनों के भीतर शूट किया गया। 10 मई 2021 को ये घोषणा की गई थी कि रजनीकांत ने कुछ पैचवर्क दृश्यों को छोड़कर फिल्म के लिए अपने हिस्से का काम पूरा कर लिया है। फिल्म का अंतिम शेड्यूल जुलाई 2021 में चेन्नई के एक निजी स्टूडियो में हुआ था। दोस्तों अगस्त में छोटे हिस्सों को छोड़कर फिल्म के स्टंट दृश्यों को पूरा कर लिया गया था। रजनीकांत और खुशबू ने अपने हिस्से के लिए डबिंग शुरू कर दी थी और दोस्तों सितंबर 2021 तक फिल्म की अंतिम प्रतिक्रिया होने के साथ फिल्म को सार्वजनिक देखने के लिए केंद्रीय फिल्म फेयर प्रमाण बोर्ड CBSP को भेज दिया था, जहां दोस्तों फिल्म को बोर्ड से UA प्रमाण पत्र मिला। फिल्म का अंतिम समय 163 मिनट बताया जा रहा था। आगे दोस्तों प्रोग्राम में अन्नाथे को दशहरे के पूर्व संध्या पर 25 अक्टूबर 2020 के साथ रिलीज किया गया था। बाद में मई 2020 में सन पिक्चर्स ने घोषणा किया था कि फिल्म पोंगल 14 जनवरी 2021 के अवसर पर रिलीज होने वाली है, लेकिन दोस्तों कोविड-19 के वजह से इसको रोक दिया गया। इसके बाद दोस्तों 2021 में निर्माता ने घोषणा किया था कि ये फिल्म 4 नवंबर 2021 को दिवाली त्यौहार के अवसर पर रिलीज होगी। अन्नाथी ने दोस्तों बता दें बुक माई शो पर 1.3 मिलियन टिकटों की बिक्री को पार कर लिया, और इसी के साथ दोस्तों ये प्रकार उस वक्त सबसे अधिक बिकने वाला टिकट, सबसे ज़्यादा दोस्तों कोविड-19 महामारी के बाद मंच पर मिलन का आंकड़ा छूने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई। दोस्तों नाटकीय रिलीज से पहले रजनीकांत ने अपनी बेटी, इसके बाद दोस्तों सौंदर्य, रजनीकांत पोते यात्रा और लिंगा के साथ जो फिल्म का पहला शो देखा था। सौंदर्य ने अपने नए जो है लॉन्च किए गए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हुटमी फिल्म के बारे में अपनी समीक्षा साझा किया। लोगों ने दोस्तों अभी तक जो ये नहीं देखा कि
आपने जो है अन्ना थे सिवा में क्या देखा है, लेकिन मैंने इसे देखा, उन्होंने कहा। और फिल्म देखने के बाद मैं बाहर आया और दोस्तों आंसुओं के साथ जो है आपसे हाथ मिला रहा हूँ, उन्होंने बताया। एनिमी के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों एनिमी भारी मांग के कारण ये फिल्म दुनिया भर के 2100 से अधिक थिएटरों में रिलीज होगी बताया गया, जिसमें दोस्तों 900 थिएटर भारत के होंगे ऐसा भी कहा गया था। इसके बाद दोस्तों विदेशी केंद्रों में 1193 स्क्रीन पर रिलीज किया जाएगा। 19 लॉकडाउन के बाद किसी तमिल फिल्म के लिए सबसे ज्यादा व्यापक था इस मूवी की रिलीज। इसके बाद दोस्तों इस फिल्म के स्क्रीन के बारे में हम बात कर ले तो 23 स्क्रीन यूनाइटेड किंगडम में लगाया गया था। इसके अलावा दोस्तों 35 स्क्रीन पूरे यूरोप में लगाया गया था इस फिल्म के शो के लिए। तो फैंस इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, साल 2021 में रिलीज हुई रजनीकांत की मोस्ट वेटेड मूवीज का नाम है अन्ना थे। दोस्तों ये फिल्म कौन से आपको कहां पे देखने को मिलेगा पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको दे रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बन रहिएगा। तो साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अन्ना थे मूवीज की कहानी के बारे में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस फिल्म की कहानी कैसी है, क्या इस फिल्म को देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए 2023 में। अगर दोस्तों इस फिल्म को देखना चाहिए तो ये फिल्म आपको कौन सा यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगा या फिर कौन सी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आपको ये फिल्म आसानी से हिंदी डब में देखने को मिल जाएगा, इसकी पूरी जानकारी आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको देंगे। तो दोस्तों अगर आप लोग अन्ना थे फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके और मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देर किए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ से विस्तार में बात कर लेते हैं अन्ना थे फिल्म के बारे में। बता दें दोस्तों ये फिल्म साल 2021 में रिलीज की गई भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जो शिव द्वारा लिखित किया गया है और निर्देशित किया गया है। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म को सन पिक्चर के तहत कलानिधि मारन द्वारा निर्मित किया गया है। और दोस्तों फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म के अंदर रजनीकांत, खुशबू मीना, नयनतारा और दोस्तों कृति सुरेश ने अभिनय किया है, जबकि दोस्तों जगपति बाबू, प्रकाश राज और सूरी प्रमुख भूमिकाओं में फिल्म में नजर आए हुए है। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर के बारे में हम बात करें तो दोस्तों फिल्म के संगीत डी ईमान द्वारा तैयार किया गया है, जबकि दोस्तों फिल्म का छायांकन और संपादन क्रमश वेट्री और दोस्तों रूबेन द्वारा किया गया है। इसी के साथ दोस्तों अन्ना थे फिल्म की कहानी के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म की कहानी तंजावुर के एक सरपंच कलैयान के इर्द गिर्द घूमता है, जो दोस्तों अपनी बहन को एक व्यापारी और उसके बड़े भाई के चंगुल से बचाने के लिए हर संभव प्रयास करता है। दोस्तों फिल्म की आधिकारिक घोषणा अक्टूबर 2019 में की गई थी, जो शिव के साथ रजनीकांत का पहला सहयोग था। मुख्य फोटोग्राफी अभिनेता के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर 11 दिसंबर 2019 को शुरू हुई और दोस्तों सितंबर 2021 के भीतर पूरी हो चुकी थी। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म को भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के परिणाम स्वरूप शूटिंग प्रक्रिया 1.5 साल तक चली। दिसंबर 2020 के अंत में रजनीकांत के स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों के कारण दोस्तों फिल्म की निर्माण में देरी हुई और फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में की गई थी, जिसके कुछ दृश्य चेन्नई में शूट किया गया था। दोस्तों अन्ना थे को दिवाली के मौके पर 4 नवंबर 2021 को रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा देखने को मिली थी। इसके बावजूद दोस्तों ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे व्यावसायिक रूप से सफल रही और दोस्तों रिलीज होने पर इसने लगभग 175 से लेकर 240 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की और दोस्तों इसने तमिलनाडु बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ रुपए से अधिक का आंकड़ा भी पार कर लिया और इस तरह ये उपलब्धि हासिल करने वाली तीसरी फिल्म बन गई जो भारतीय दूतावास ने संस्कृति और दोस्तों पर्यटन को बढ़ावा देने के हिस्से के रूप में अर्जेंटीना में फिल्म की रिलीज की घोषणा किया गया था। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना। इसी के साथ दोस्तों बात करें फिल्म की कहानी के बारे में तो दोस्तों फिल्म के अंदर कलैया तंजुवार के सुराकोटे में एक स्थानीय ग्राम अध्यक्ष इंसान रहते हैं और वो दोस्तों गांव के रक्षक भी है, जो नैतिक जो है निष्पक्षता के आगे झुकते हैं और ये आदर्श उसे एक प्रतिद्वंदी ग्राम नेता नत्था दुरई के साथ संघर्ष करने के लिए प्रेरित करता है, जो दोस्तों लोगों को डराकर उन्हें नियंत्रित करके शासन करते हैं उन पर। जब दोस्तों नत्था दुरई एक बूढ़े व्यक्ति से जमीन हड़पने की कोशिश करता है तो वह अपने मामले की रक्षा के लिए पट्टामाल नाम के एक वकील को नियुक्त करता है इस काम के लिए,
और दोस्तों आगे देखने को मिलता है कलैयान ने सच्चाई उजागर कर दी और पट्टामाल ने अपने ही मुवक्किल को धोखा दिया और दोस्तों मामला वापस ले लिया। पट्टामाल और कलैयान जल्द ही दोस्तों प्यार में पड़ जाते हैं। कलैयान की दुनिया उसकी बहन थंगा मीनाचे के इर्द गिर्द घूमता है, जिसे दोस्तों उसने अपने माता पिता की मृत्यु के बाद उसे बहुत प्यार से पाला है। फिल्म में जब मीनाची अपनी शिक्षा पूरी करके घर लौटती है तो कलैयान को उसके लिए दूल्हा ढूंढने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों हर कोई उससे डरता है। फिल्म में कलैयान की परेशान चचेरी बहन ने यहाँ पे अंगयार कन्नी और दोस्तों उनके अलावा मगयार करसी दोनों ने प्रस्ताव रखा कि उनके भाई जो है थंगा मीनाची से शादी करे और वह दोनों कलैयान से शादी करना चाहते थे, लेकिन वह सहमत नहीं थी इन दोनों से शादी करने के लिए, यानी कि किसी से भी शादी करने से सहमत नहीं थी। थंगा मीनाची की शादी नट्टा दुरई के छोटे भाई के साथ उसकी सहमति के बिना तय कर दी गई है। शादी के दिन मीनाची गायब हो जाती है घर से और दोस्तों बाद में पता चलता है कि वह भाग चुकी है घर से। शादी के दिन मीनाची लापता हो जाती है। कलैयान एक खोजी दल भेजते हैं जो कॉलेज से अपने प्रेमी के साथ भागने की कोशिश कर रही मीनाची को ट्रेन में पकड़ लिया जाता है। अपनी बहन के प्रति अपने प्यार से तंग आकर कलैयान मीनाची को जाने की अनुमति देता है और रिश्तेदारों की ऑनर किलिंग की मांग को टाल देता है। मीनाची अपने पति के साथ कोलकाता चली जाती है और दोस्तों वहां से कलैयान से उसका संपर्क टूट जाता है। कलैयान और दोस्तों पट्टामाल कोलकाता की यात्रा करते हैं। उसके बाद देखने को मिलता है कलैयान को पता चला कि उसकी बहन को गंभीर व्यक्ति जो है परेशान कर रहे हैं और चुपके से उसका पीछा करता है और उसे पता चलता है कि उसने एक गैंगस्टर से पैसा उधार लिया है। जब दोस्तों गैंगस्टर मीनाची पर हमला करने की कोशिश करता है तो कलैयान चुपके से उसकी पिटाई कर देता है और मीनाची को पट्टामाल के अपार्टमेंट में लेकर जाया जाता है। यहाँ दोस्तों वह सुरक्षित रूप से उस पर नज़र रख पाता है। आगे दोस्तों ठगों द्वारा मीनाची को धमकी दी जाती है और दोस्तों वह बीमार पड़ जाता है। जब दोस्तों पट्टामाल अपनी दावा लेने के लिए घर से निकलता है तो ठग उस पर हमला कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों कलैयान उसे बचाती है और आगे देखने को मिलता है हमलावरों से पूछताछ किया जाता है और सच्चाई वहां से पता चलता है पट्टामाल को। आगे दोस्तों अतीत में ये पता चलता है, दोस्तों अतीत में जब मीनाची और उसके पति ने कोलकाता में व्यवसाय शुरू किया था तो एक अमीर व्यापारी और अंडरवर्ल्ड डॉन मनोज परेकर ने उनसे संपर्क किया। मनोज उनके आधे शेयर खरीदना चाहते थे लेकिन मीनाची के पति ने इनकार कर दिया शेयर को बेचने से। अगले हफ्ते में दोस्तों मीनाची की फैक्ट्री में आग लग गई, उन्हें इसे दोस्तों बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा और दोस्तों यही नहीं बल्कि उसके पति को भी गिरफ्तार करवा दिया गया। जी हाँ दोस्तों, उसके पति को मनगढ़ंत आरोपों के तहत गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस हिरासत में यातना दी जा रही थी। मीनाची ने अपने पति को रिहा करवाने और अपनी कंपनी पर हस्ताक्षर करने के लिए मनोज से विनती की थी। मनोज ने दोस्तों उसे छुड़ाने से इनकार कर दिया था और जो भी उसकी मदद करने को तैयार हुआ उसकी हत्या करवा दे रहा था। वर्तमान समय में मीनाची अभी भी पट्टामाल की मदद से अपने पति को रिहा करवाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह गर्भवती भी है। ये सुनकर दोस्तों कलैयान बहुत खुश होता है और वह और यहाँ पे पट्टामाल उसके लिए एक गोद भराई का आयोजन भी करते हैं। कहानी में आगे देखने को मिलता है मीनाची के दुर्भाग्य के पीछे की सच्चाई जानने के बाद कलैयान अपनी बहन को चारा के रूप में इस्तेमाल करके गैंगस्टरों को मारना चाहता था और दोस्तों मनोज जो है परेकर को नष्ट करने की कसम खाता है। अनाथे के दोस्तों यहाँ पे बता दें छमा नाम के तहत कलैयान और उसके गांव के दोस्त मनोज के कार्यालय पर धावा बोलता है और एक अल्टीमेटम जारी करता है जो उसके अधिक नाटक के बाजू अनाथे ने मनोज को घेर लिया और दोस्तों उसे कागज पर अपने नाम पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया, जिसमें दोस्तों कहा गया था कि वह चुराई गई कंपनियों को उनके पूर्व मालिकों को वापस कर देगा। कलैयान ने मनोज की जान बख्शने का इसके बाद फैसला किया। इसके आगे दोस्तों क्रोधित होकर अपमानित होकर मनोज अपने अलग हो चुके भाई जो है उद्धव परेकर से मिलने जाता है और अन्नाथे को खत्म करने की मांग करता है और फिर दोस्तों आत्महत्या कर लेता है। इसके बाद दोस्तों उद्धव मीनाची का पता लगाया जाता है और उस पर जो है हमला करने के लिए लोगों को लाता है। दोस्तों इसके बाद कलैयान द्वारा निर्देशित की गई पट्टामाल उसे छुपाती है। पट्टामाल और दोस्तों मीनाची का लोगों द्वारा तब तक जो है पीछा किया जाता है जब तक कि दोनों एक दुर्घटनाग्रस्त ऑटो रिक्शा से अलग नहीं हो जाते। कलैयान वहां आता है और दोस्तों उद्धव के सभी जो है आदमियों को पकड़ लेता है और दोस्तों उद्धव को मार डालता है, जहां पे दोस्तों वह अंततः खुद को जो है मीनाची के सामने प्रकट करता है, जो अपने भाई को हुई सभी जो है परेशानियों के लिए आंसू बहाते हुए माफ़ी मांगता है उनसे।
तो दोस्तों ये कहानी आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलती है। अक्टूबर 2019 के मध्य में मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था, दरबार फिल्म 2020 की रिलीज के बाद रजनीकांत निर्देशक जो है शिव के साथ काम करेंगे। लेकिन बाद में दोस्तों 11 अक्टूबर 2019 को कलानिधि मारन ने इसकी पुष्टि की, जिसका दोस्तों प्रोडक्शन हाउस सन पिक्चर्स है। उद्यम को दोस्तों नियंत्रित करने वाली पिक्चर्स ने स्थायी रूप से इस परियोजना का शीर्षक जो है थलाई पर रखा 168 रखा, क्योंकि दोस्तों ये रजनीकांत की 168वीं फिल्म परियोजना वाली मूवी थी। ये आपको बता दें एंडीरन और पेटा के बाद सन पिक्चर के साथ रजनीकांत का तीसरा सहयोग है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें संगीतकार डी ईमान, जिन्होंने पहले निर्देशक के साथ विश्वासम फिल्म 2019 में काम किया था, उनको फिल्म के लिए संगीत देने की सूचना मिली थी। नवंबर के मध्य में निर्माता द्वारा उनके शामिल किए जाने की पुष्टि की गई और यह बताया गया था कि फिल्म का शीर्षक जो है वियुगम और मनोवन होगा। हालांकि दोस्तों टीम ने अफवाह का खंडन किया और फिल्म का शीर्षक अन्ना थे 24 फरवरी 2020 को सामने आया था। शिव के दोस्तों सामान्य तकनीकी दल वेट्री रूबेन मिलन और दोस्तों दिलीप जो है सुब्बा रायन, जिन्होंने यहाँ पे सुब्बा रायन को छोड़कर निर्देशक की पिछली फिल्मों में काम किया था, क्योंकि दोस्तों उन्होंने शिव के साथ केवल जो है विश्वासम में काम किया था। उन्हें कर्माश फिल्म का छायाकर संपादन कला निर्देशक और स्टंट कोरियोग्राफर बताया गया था। रजनीकांत ने दोस्तों अपनी फिल्म में कुछ पंच लाइनें लिखी थी, जिसकी वजह से प्रारंभ में अभिनेता को फिल्म के लिए उनके वेतन के रूप में 118 करोड़ का भुगतान करने की सूचना मिली थी। लेकिन दोस्तों कलानिधि मारन ने दरबार की विफलता के बाद उन्हें वेतन कम करने के लिए जोर दिया और दोस्तों रजनीकांत ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, तो वह इस परियोजना को बंद करने के लिए भी तैयार थे। काफी विचार विमर्श के बाद रजनीकांत ने बताया था कि वह अपना वेतन कम करने पर सहमत हो गए हैं। 23 अक्टूबर 2019 को कृति सुरेश को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका में अभिनय करने के लिए उनको साइन किया गया था इस फिल्म के अंदर। बाद में ये हास्य कलाकार सूरी को एक और प्रमुख भूमिका निभाने की सूचना मिली थी। सन पिक्चर्स द्वारा दोस्तों दिसंबर 2019 के मध्य में 2019 के हफ्ते में सूरी और सुरेश को शामिल करने की पुष्टि की गई। बताया गया था कि कीर्ति सुरेश फिल्म में रजनीकांत की सौतेली बहन की भूमिका निभाएंगी। दिसंबर 2019 में निर्माताओं ने यह भी पुष्टि किया था कि मीना और खुशबू भी फिल्म में होंगी। थलाई पर 168 में रजनीकांत की मुख्य महिला भूमिका निभाएंगी। प्रकाश राज और सतीश भी शूटिंग में शामिल होंगी, यह बताया गया था। इसके बाद दोस्तों प्रकाश राज और सतीश भी शूटिंग शुरू होने से पहले फिल्म के कलाकारों में शामिल हो गए। अभिनेता विश्वनाथ, जिन्होंने कवाली फिल्म 2016 में रजनीकांत के साथ काम किया था, कवाली 2016 में रजनीकांत के साथ जो है काम किया था, उनको भी कलाकारों में शामिल किया गया। और फाइनली 31 जनवरी 2020 को सन पिक्चर्स ने बाद में घोषणा किया था कि नयनतारा भी एक वकील की भूमिका निभाते हुए फिल्म के कलाकारों का हिस्सा होगी। अभिनेता दोस्तों आपको बता दें वेला राममूर्ति भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए कलाकारों में शामिल हो गए। और दोस्तों ऐसी खबरें थी कि तेलुगु अभिनेता गोपीचंद, लेकिन दोस्तों हालांकि अभिनेता ऐसे दाव का खंडन किया। जेकी श्रॉफ के बारे में हम बात करें तो जेकी श्रॉफ को फिल्म के नायक की भूमिका निभाने के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन मार्च 2021 में उनकी जगह जगपति बाबू ने इस फिल्म में ले ली। इसी के साथ दोस्तों मुख्य फोटोग्राफी के बारे में हम बात करें तो 11 दिसंबर 2019 को अभिनेता रजनीकांत के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर हुई चेन्नई में दोस्तों स्वर्ण टीवी नेटवर्क के कार्यालय में आयोजित किए गए पूजा समारोह में फिल्म के कलाकार और चालक दल उपस्थित थे। फिल्मांकन दोस्तों 18 दिसंबर 2019 को हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में एक गाने की शूटिंग के साथ दोस्तों शुरू हुआ, जबकि खुशबू फिल्मांकन शुरू होने के कुछ दिनों बाद अपनी हिस्से की शूटिंग में शामिल हो गई। रजनीकांत के बारे में हम बात कर लेते दोस्तों, रजनीकांत कर्नाटक के बंदीपुर जंगल में मैन वर्सेज जो है वाइल्ड के एक एपिसोड की शूटिंग के लिए गए, जिसके परिणाम स्वरूप फिल्म की शूटिंग में देरी हुई। नयनतारा के शामिल होने की घोषणा बाद में अभिनेत्री ने फरवरी में 2020 में बताया और 2020 में सेट पर शामिल हुई। निर्माता ने इसके बाद हैदराबाद में दो शेड्यूल पूरे होने के बाद कोलकाता और पुणे में कुछ दिवसों की शूटिंग करने की योजना बनाई थी इसके बाद में, लेकिन दोस्तों कोविड-19 महामारी के डर के कारण इस विचार को छोड़ दिया गया और हैदराबाद में शूटिंग जारी रखने का फैसला किया गया, कंटिन्यू किया गया। इसके बाद दोस्तों महामारी के कारण फिल्मांकन आगे रुक गई। इसके बाद दोस्तों यह बताया गया था कि टीम जो है लॉकडाउन के बाद चेन्नई में कुछ दिवसों की शूटिंग करेगी, क्योंकि दोस्तों फिल्म की टीम को शूटिंग के लिए हैदराबाद जाना
मुश्किल होगा बताया। और दोस्तों महामारी के बाद सरकार द्वारा फिल्म और दोस्तों टेलीविजन निर्माणों को फिर से शुरू करने की अनुमति दिए जाने के बाद अक्टूबर 2020 में अभिनेता रजनीकांत के सेट पर शामिल होने की सूचना मिली थी। हालांकि दोस्तों निर्माताओं ने टीम की यहां पर सुरक्षा का हवाला देते हुए फिल्म की शूटिंग नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया। इसके वजह से नवंबर 2020 के मध्य में निर्माता ने आधिकारिक तौर पर कहा था कि शूटिंग 15 दिसंबर 2020 को फिर से शुरू करेगा शूटिंग, और जिसमें दोस्तों रजनीकांत शेड्यूल में शामिल होंगे इसकी भी पुष्टि हो चुकी थी। आगे दोस्तों इस फिल्म की शूटिंग को जल्दी पूरा करने के लिए एक ही समय में पूरा होने की उम्मीद लगाया गया था। रजनीकांत 14 दिसंबर को हैदराबाद गए और निर्धारित तिथि से पहले शूटिंग शुरू कर दी, जिसमें दोस्तों नयनतारा फिल्म के सेट पर शामिल थी। सूत्रों ने दावा किया था कि अभिनेता के दोस्तों रजनीकांत में प्रवेश से पहले रजनीकांत ने फिल्म की शूटिंग पूरी करने के लिए 14 घंटे से अधिक जो समय बिताया था, लेकिन दोस्तों फिल्म की शूटिंग 23 दिसंबर 2020 को रोक दी गई थी। इसके बाद दोस्तों बाद में जब जो है चालक दल के 8 सदस्यों को कोविड-19 का पता चला, हालांकि दोस्तों रजनीकांत ने इससे बेखबर थे और नकारात्मक परीक्षण इनका जब चेक किया गया था तो इनका पॉजिटिव रिजल्ट आया था। इसके बाद दोस्तों हैदराबाद में शौच हुए, यहाँ पे संरोध में चले गए थे, जहाँ पे दोस्तों बहरहाल रक्तपात में उतार चढ़ाव के कारण 25 दिसंबर को इनको भी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। अभिनेता रजनीकांत को रजनीकांत के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए निर्माता ने 15 मार्च 2021 को चेन्नई में शूटिंग फिर से शुरू करने की योजना बनाई। इसमें दोस्तों एक शेड्यूल 30 दिनों के भीतर शूट किया गया था। तमिलनाडु राज्य विधानसभा चुनाव के बाद दोस्तों रजनीकांत अप्रैल 2021 में अगले शेड्यूल की शूटिंग के लिए हैदराबाद चले गए। आगे दोस्तों बता दें नाइट जो है कर्फ्यू और दोस्तों अन्य जो प्रतिबंधों के बावजूद फिल्म की शूटिंग तेजी से हुई, जिसकी वजह से टीम ने रजनीकांत पर आधारित जो है कुछ स्टंट दृश्यों की शूटिंग की। और दोस्तों रात के दृश्यों के लिए टीम ने सरकार के साथ साथ दोस्तों हैदराबाद पुलिस से रात के दृश्यों को शूट करने की अनुमति मांगी थी, जिसकी वजह से दोस्तों टीम ने तेज गति से फिल्मांकन करते समय सेट पर सुरक्षा जो सुनिश्चित किया था फिल्म के लिए। साथ ही साथ दोस्तों नयनतारा अप्रैल 2021 के अंत में फिल्म की शूटिंग में शामिल हुई और दोस्तों रजनीकांत और नयनतारा के दृश्य 3 दिनों के भीतर शूट किया गया। 10 मई 2021 को ये घोषणा की गई थी कि रजनीकांत ने कुछ पैच और दृश्यों को छोड़कर फिल्म के लिए अपने हिस्से का काम पूरा कर लिया है। फिल्म का अंतिम शेड्यूल जुलाई 2021 में चेन्नई के एक निजी स्टूडियो में हुआ था। दोस्तों अगस्त में छोटे हिस्सों को छोड़कर फिल्म के स्टंट दृश्यों को पूरा कर लिया गया था। रजनीकांत और खुशबू ने अपने हिस्से के लिए डबिंग शुरू कर दी थी और दोस्तों सितंबर 2021 तक फिल्म की अंतिम प्रतिक्रिया होने के साथ फिल्म को सार्वजनिक देखने के लिए केंद्रीय फिल्मफेयर प्रमाण बोर्ड CBSP को भेज दिया था, जहां दोस्तों फिल्म को बोर्ड से UA प्रमाण पत्र मिला। फिल्म का अंतिम समय 163 मिनट बताया जा रहा था। आगे दोस्तों प्रारंभ में अन्नाथे को दशहरे की पूर्व संध्या पर 25 अक्टूबर 2020 के साथ रिलीज किया गया था। बाद में मई 2020 में सन पिक्चर्स ने घोषणा किया था कि फिल्म पोंगल 14 जनवरी 2021 के अवसर पर रिलीज होने वाली है, लेकिन दोस्तों कोविड-19 के वजह से इसको रोक दिया गया। इसके बाद दोस्तों 2021 में निर्माता ने घोषणा किया था कि ये फिल्म 4 नवंबर 2021 को दिवाली त्यौहार के अवसर पर रिलीज होगी। अन्नाथे ने दोस्तों बता दें बुक माई शो पर 1.3 मिलियन टिकटों की बिक्री को पार कर लिया, और इसी के साथ दोस्तों ये प्रकार उस वक्त सबसे अधिक बिकने वाला टिकट, सबसे ज़्यादा दोस्तों कोविड-19 महामारी के बाद मंच पर मिलियन का आंकड़ा छूने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई। दोस्तों नाटकीय रिलीज से पहले रजनीकांत ने अपनी बेटी, इसके बाद दोस्तों सौंदर्य, रजनीकांत पोते यात्रा और लिंगा के साथ जो फिल्म का पहला शो देखा था। सौदारिया ने अपने नए जो है लॉन्च किए गए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हुट में फिल्म के बारे में अपनी समीक्षा साझा किया। लोगों ने दोस्तों अभी तक जो है ये नहीं देखा कि आपने जो है अन्नाथे शिवा में क्या देखा है, लेकिन मैंने इसे देखा, उन्होंने कहा, और फिल्म देखने के बाद मैं बाहर आया और दोस्तों आंसुओं के साथ जो है आपसे हाथ मिला रहा हूँ, उन्होंने बताया। एनिमी के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों एनिमी भारी मांग के कारण ये फिल्म दुनिया भर के 2100 से अधिक थिएटरों में रिलीज होगी बताया गया, जिसमें दोस्तों 900 थिएटर भारत के होंगे ऐसा भी कहा गया था। इसके बाद दोस्तों विदेशी केंद्रों में 1193 स्क्रीन पर रिलीज किया जाएगा। 19 लॉकडाउन के बाद किसी तमिल फिल्म के लिए सबसे ज़्यादा व्यापक था इस मूवी की रिलीज। इसके बाद दोस्तों इस फिल्म के स्क्रीन के बारे में हम बात कर ले तो 23 स्क्रीन यूनाइटेड किंगडम में लगाया गया था। इसके अलावा दोस्तों 35 स्क्रीन पूरे यूरोप में लगाया गया था इस फिल्म के शो के लिए।
तो फैंस इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, साल 2021 में रिलीज हुई रजनीकांत की मोस्ट वेटेड मूवीज का नाम है अन्नाथे। दोस्तों ये फिल्म कौन सी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको दे रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अन्नाथे मूवीज की कहानी के बारे में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस फिल्म की कहानी कैसी है, क्या इस फिल्म को देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए 2023 में। अगर दोस्तों इस फिल्म को देखना चाहिए तो ये फिल्म आपको कौन सा यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगा या फिर कौन सी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आपको ये फिल्म आसानी से हिंदी डब में देखने को मिल जाएगा, इसकी पूरी जानकारी आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको देंगे। तो दोस्तों अगर आप लोग अन्नाथे फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके और मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी किए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। तो चलिए दोस्तों अब हम ऐसे विस्तार में बात कर लेते हैं अन्नाथे फिल्म के बारे में। बता दें दोस्तों ये फिल्म साल 2021 में रिलीज की गई भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जो शिव द्वारा लिखित किया गया है और निर्देशित किया गया है। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म को सन पिक्चर के तहत कलानिधि मारन द्वारा निर्मित किया गया है। और दोस्तों फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म के अंदर रजनीकांत, खुशबू मीना, नयनतारा और दोस्तों कृति सुरेश ने अभिनय किया है, जबकि दोस्तों जगपति बाबू, प्रकाश राज और सूरी प्रमुख भूमिकाओं में फिल्म में नजर आए हुए हैं। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर के बारे में हम बात करें तो दोस्तों फिल्म के संगीत डी ईमान द्वारा तैयार किया गया है, जबकि दोस्तों फिल्म का छायांकन और संपादन क्रमश वेट्री और दोस्तों रुबेन द्वारा किया गया है। इसी के साथ दोस्तों अन्नाथे फिल्म की कहानी के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म की कहानी तंजावुर के एक सरपंच कल्याण के इर्द गिर्द घूमता है, जो दोस्तों अपनी बहन को एक व्यापारी और उसके बड़े भाई के चंगुल से बचाने के लिए हर संभव प्रयास करता है। दोस्तों फिल्म की आधिकारिक घोषणा अक्टूबर 2019 में की गई थी, जो शिव के साथ रजनीकांत का पहला सहयोग था। मुख्य फोटोग्राफी अभिनेता के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर 11 दिसंबर 2019 को शुरू हुई और दोस्तों सितंबर 2021 के भीतर पूरी हो चुकी थी। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म को भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के परिणाम स्वरूप शूटिंग प्रक्रिया 1.5 साल तक चली। दिसंबर 2020 के अंत में रजनीकांत के स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों के कारण दोस्तों फिल्म की निर्माण में देरी हुई और फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में की गई थी, जिसके कुछ दृश्य चेन्नई में शूट किया गया था। दोस्तों अन्नाथे को दिवाली के मौके पर 4 नवंबर 2021 को रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा देखने को मिली थी। इसके बावजूद दोस्तों ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे व्यावसायिक रूप से सफल रही और दोस्तों रिलीज होने पर इसने लगभग 175 से लेकर 240 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की और दोस्तों इसने तमिलनाडु बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ रुपए से अधिक का आंकड़ा भी पार कर लिया और इस तरह ये उपलब्धि हासिल करने वाली तीसरी फिल्म बन गई जो भारतीय दूतावास ने संस्कृति और दोस्तों पर्यटन को बढ़ावा देने के हिस्से के रूप में अर्जेंटीना में फिल्म की रिलीज की घोषणा किया गया था। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना। इसी के साथ दोस्तों बात करें फिल्म की कहानी के बारे में तो दोस्तों फिल्म के अंदर कलैया तंजुवार के सुरकोटई में एक स्थानीय ग्राम अध्यक्ष इंसान रहते हैं और वो दोस्तों गांव के रक्षक भी है, जो नैतिक जो है निष्पक्षता के आगे झुकते हैं और ये आदर्श उसे एक प्रतिद्वंदी ग्राम नेता नत्ता दुरे के साथ संघर्ष करने के लिए प्रेरित करता है, जो दोस्तों लोगों को डराकर उन्हें नियंत्रित करके शासन करते हैं उन पर। जब दोस्तों नत्ता दुरे एक बूढ़े व्यक्ति से जमीन हड़पने की कोशिश करता है तो वह अपने मामले की रक्षा के लिए पट्टामाल नाम के एक वकील को नियुक्त करता है इस काम के लिए। और दोस्तों आगे देखने को मिलता है कलैयान ने सच्चाई उजागर कर दी और पट्टामाल ने अपने ही मुवक्किल को धोखा दिया और दोस्तों मामला वापस ले लिया। पट्टामाल और कलैयान जल्द ही दोस्तों प्यार में पड़ जाते हैं। कलैयान की दुनिया उसकी बहन थंगा मीनाचे के इर्द गिर्द घूमता है, जिसे दोस्तों उसने अपने माता पिता की मृत्यु के बाद उसे बहुत प्यार से पाला है। फिल्म में जब मीनाची अपनी शिक्षा पूरी करके घर लौटती है तो कलैयान को उसके लिए दूल्हा ढूंढने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों हर कोई उससे डरता है। फिल्म में कलैयान की परेशान चचेरी बहन ने यहाँ पे अंगयार कन्नी और दोस्तों उनके अलावा मगयार करसी दोनों ने प्रस्ताव रखा कि उनके भाई जो है थंगा मीनाची से शादी करे और वह दोनों कलैयान से शादी करना चाहते थे, लेकिन वह सहमत नहीं थी इन दोनों से शादी करने के लिए, यानी कि किसी से भी शादी करने से सहमत नहीं थी। थंगा मीनाची की शादी नट्टा दुरई के छोटे भाई के साथ उसकी सहमति के बिना तय कर दी गई है।
शादी के दिन मीनाक्षी गायब हो जाती है घर से और दोस्तों बाद में पता चलता है कि वो भाग चुकी है घर से। शादी के दिन मीनाक्षी लापता हो जाती है। कल्याण एक खोजी दल भेजते हैं जो कॉलेज से अपने प्रेमी के साथ भागने की कोशिश कर रही मीनाक्षी को ट्रेन में पकड़ लिया जाता है। अपनी बहन के प्रति अपने प्यार से तंग आकर कल्याण मीनाक्षी को जाने की अनुमति देता है और रिश्तेदारों की ऑनर किलिंग की मांग को टाल देता है। मीनाक्षी अपने पति के साथ कोलकाता चली जाती है और दोस्तों वहां से कल्याण से उसका संपर्क टूट जाता है। कल्याण और दोस्तों भट्टामाल कोलकाता की यात्रा करते हैं। उसके बाद देखने को मिलता है कल्याण को पता चला कि उसकी बहन को गंभीर व्यक्ति जो है परेशान कर रहे हैं और चुपके से उसका पीछा करता है और उसे पता चलता है कि उसने एक गैंगस्टर से पैसा उधार लिया है। जब दोस्तों गैंगस्टर मीनाक्षी पर हमला करने की कोशिश करता है तो कल्याण चुपके से उसकी पिटाई कर देता है और मीनाक्षी को पटना माल के अपार्टमेंट में लेकर जाया जाता है। यहाँ दोस्तों वह सुरक्षित रूप से उस पर नजर रख पाता है। आगे दोस्तों ठगों द्वारा मीनाक्षी को धमकी दी जाती है और दोस्तों वह बीमार पड़ जाता है। जब दोस्तों पट्टामाल अपनी दावा लेने के लिए घर से निकलता है तो ठग उस पर हमला कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों कल्याण उसे बचाती है और आगे देखने को मिलता है हमलावरों से पूछताछ किया जाता है और सच्चाई वहां से पता चलता है पट्टामाल को। आगे दोस्तों अतीत में ये पता चलता है। दोस्तों अतीत में जब मीनाक्षी और उसके पति ने कोलकाता में व्यवसाय शुरू किया था तो एक अमीर व्यापारी और अंडरवर्ल्ड डॉन मनोज परेकर ने उनसे संपर्क किया। मनोज उनके आधे शेयर खरीदना चाहते थे लेकिन मीनाक्षी के पति ने इनकार कर दिया शेयर को बेचने से। अगले हफ्ते में दोस्तों मीनाक्षी की फैक्ट्री में आग लग गई। उन्हें इसे दोस्तों बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा और दोस्तों यही नहीं बल्कि उसके पति को भी गिरफ्तार करवा दिया गया। जहां दोस्तों उसके पति को मनगढ़ंत आरोपों के तहत गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस हिरासत में यातना दी जा रही थी। मीनाक्षी ने अपने पति को रिहा करवाने और अपनी कंपनी पर हस्ताक्षर करने के लिए मनोज से विनती की थी। मनोज ने दोस्तों उसे छुड़ाने से इनकार कर दिया था और जो भी उसकी मदद करने को तैयार हुआ उसकी हत्या करवा दे रहा था। वर्तमान समय में मीनाक्षी अभी भी पट्टा माल की मदद से अपने पति को रिहा करवाने की कोशिश कर रही है लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह गर्भवती भी है। ये सुनकर दोस्तों कल्याण बहुत खुश होता है और वह और यहाँ पे पट्टामाल उसके लिए एक गोद भराई का आयोजन भी करते हैं। कहानी में आगे देखने को मिलता है मीनाक्षी के दुर्भाग्य के पीछे की सच्चाई जानने के बाद कल्याण अपनी बहन को चारा के रूप में इस्तेमाल करके गैंगस्टरों को मारना चाहता था और दोस्तों मनोज जो है परेकर को नष्ट करने की कसम खाता है। अनाथे के दोस्तों यहाँ पे बता दें छमा नाम के तहत कल्याण और उसके गांव के दोस्त मनोज के कार्यालय पर धावा बोलता है और एक अल्टीमेटम जारी करता है जो उसके अधिक नाटक के बाद जो अनाथे ने मनोज को घेर लिया और दोस्तों उसे कागज पर अपने नाम पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। इसमें दोस्तों कहा गया था कि वह चुराई गई कंपनियों को उनके पूर्व मालिकों को वापस कर देगा। कल्याण ने मनोज की जान बख्शने का इसके बाद फैसला किया। इसके आगे दोस्तों क्रोधित होकर अपमानित होकर मनोज अपने अलग हो चुके भाई जो है उद्धव परेकर से मिलने जाता है और अनाथे को खत्म करने की मांग करता है और फिर दोस्तों आत्महत्या कर लेता है। इसके बाद दोस्तों उद्धव मीनाक्षी का पता लगाया जाता है और उस पर जो है हमला करने के लिए लोगों को लाता है। दोस्तों इसके बाद कल्याण द्वारा निर्देशित की गई पट्टामाल उसे छुपाती है। पट्टामाल और दोस्तों मीनाक्षी का लोगों द्वारा तब तक जो है पीछा किया जाता है जब तक कि दोनों एक दुर्घटनाग्रस्त ऑटो रिक्शा से अलग नहीं हो जाते। कल्याण वहां आता है और दोस्तों उद्धव के सभी जो है आदमियों को पकड़ लेता है और दोस्तों उद्धव को मार डालता है जहाँ पे दोस्तों वो अंत तक खुद को जो है मीनाक्षी के सामने प्रकट करता है जो अपने भाई को हुई सभी जो है परेशानियों के लिए आंसू बहाते हुए माफी मांगता है उनसे। तो दोस्तों ये कहानी आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलती है। अक्टूबर 2019 के मध्य में मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था दरबार फिल्म 2020 की रिलीज के बाद रजनीकांत निर्देशक जो है शिव के साथ काम करेंगे लेकिन बाद में दोस्तों 11 अक्टूबर 2019 को कलानिधि मारन ने इसकी पुष्टि की जिसका दोस्तों प्रोडक्शन हाउस सन पिक्चर्स है। उद्यम को दोस्तों नियंत्रित करने वाली पिक्चर्स ने स्थायी रूप से इस परियोजना का शीर्षक जो है थलाई पर रखा 168 रखा क्योंकि दोस्तों ये रजनीकांत की 168वीं फिल्म परियोजना वाली मूवी थी। ये आपको बता दें एंडीरन और पेटा के बाद सन पिक्चर के साथ रजनीकांत का तीसरा सहयोग है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें संगीतकार डी ईमान जिन्होंने पहले निर्देशक के साथ विश्वासम फिल्म 2019 में काम किया था उनको फिल्म के लिए संगीत देने की सूचना मिली थी।
नवंबर के मध्य में निर्माता द्वारा उनके शामिल किए जाने की पुष्टि की गई और यह बताया गया था कि फिल्म का शीर्षक जो है वियोगम और मनोवन होगा। हालांकि दोस्तों टीम ने अफवाह का खंडन किया और फिल्म का शीर्षक कन्ना थे 24 फरवरी 2020 को सामने आया था। शिव के दोस्तों सामान्य तकनीकी दल वेटरी रूबेन मिलन और दोस्तों दिलीप जो है सुब्बा रायन, जिन्होंने यहाँ पे सुब्बा रायन को छोड़कर निर्देशक की पिछली फिल्मों में काम किया था, क्योंकि दोस्तों उन्होंने शिव के साथ केवल जो है विश्वासम में काम किया था। उन्हें कर्माश फिल्म का छायाकर संपादन कला निर्देशक और स्टन कोरियोग्राफर बताया गया था। रजनीकांत ने दोस्तों अपनी फिल्म में कुछ पंच लाइनें लिखी थी, जिसकी वजह से प्रारंभ में अभिनेता को फिल्म के लिए उनके वेतन के रूप में 118 करोड़ का भुगतान करने की सूचना मिली थी। लेकिन दोस्तों कलानिधि मारन ने दरबार की विफलता के बाद उन्हें वेतन कम करने के लिए जोर दिया और दोस्तों रजनीकांत ने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो वह इस परियोजना को बंद करने के लिए भी तैयार थे। काफी विचार विमर्श के बाद रजनीकांत ने बताया था कि वह अपना वेतन कम करने पर सहमत हो गए हैं। 23 अक्टूबर 2019 को कृति सुरेश को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका में अभिनय करने के लिए उनको साइन किया गया था इस फिल्म के अंदर। बाद में ये हास्य कलाकार सूरी को एक और प्रमुख भूमिका निभाने की सूचना मिली थी। सन पिक्चर्स द्वारा दोस्तों दिसंबर 2019 के हफ्ते में सूरी और सुरेश को शामिल करने की पुष्टि की गई। बताया गया था कि कृति सुरेश फिल्म में रजनीकांत की सौतेली बहन की भूमिका निभाएंगी। दिसंबर 2019 में निर्माताओं ने यह भी पुष्टि किया था कि मीना और खुशबू भी फिल्म में होंगी। थलाइवर 168 में रजनीकांत की मुख्य महिला भूमिका निभाएंगी। प्रकाश राज और सतीश भी शूटिंग में शामिल होंगी, यह बताया गया था। इसके बाद दोस्तों प्रकाश राज और सतीश भी शूटिंग शुरू होने से पहले फिल्म के कलाकारों में शामिल हो गए। अभिनेता विश्वनाथ, जिन्होंने कवाली फिल्म 2016 में रजनीकांत के साथ काम किया था, कवाली 2016 में रजनीकांत के साथ जो है काम किया था, उनको भी कलाकारों में शामिल किया गया। और फाइनली 31 जनवरी 2020 को सन पिक्चर्स ने बाद में घोषणा किया था कि नयनतारा भी एक वकील की भूमिका निभाते हुए फिल्म के कलाकारों का हिस्सा होगी। अभिनेता दोस्तों आपको बता दें वेला राममूर्ति भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए कलाकारों में शामिल हो गए। और दोस्तों ऐसी खबरें थी कि तेलुगु अभिनेता गोपी चंद, लेकिन दोस्तों हालांकि अभिनेता ऐसे दाव का खंडन किया। जेके श्रॉफ के बारे में हम बात करें तो जेके श्रॉफ को फिल्म के नायक की भूमिका निभाने के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन मार्च 2021 में उनकी जगह जगपति बाबू ने इस फिल्म में ले ली। इसी के साथ दोस्तों मुख्य फोटोग्राफी के बारे में हम बात करें तो 11 दिसंबर 2019 को अभिनेता रजनीकांत के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर हुई चेन्नई में दोस्तों स्वर्ण टीवी नेटवर्क के कार्यालय में आयोजित किए गए पूजा समारोह में फिल्म के कलाकार और चालक दल उपस्थित थे। फिल्मांकन दोस्तों 18 दिसंबर 2019 को हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में एक गाने की शूटिंग के साथ दोस्तों शुरू हुआ, जबकि खुशबू फिल्मांकन शुरू होने के कुछ दिनों बाद अपने हिस्से की शूटिंग में शामिल हो गई। रजनीकांत के बारे में हम बात कर लेते दोस्तों, रजनीकांत कर्नाटक के बंदीपुर जंगल में मैन वर्सेज जो है वाइल्ड के एक एपिसोड की शूटिंग के लिए गए, जिसके परिणाम स्वरूप फिल्म की शूटिंग में देरी हुई। नयनतारा के शामिल होने की घोषणा बाद में अभिनेत्री ने फरवरी में 2020 में बताया और 2020 में सेट पर शामिल हुई। निर्माता ने इसके बाद हैदराबाद में दो शेड्यूल पूरे होने के बाद कोलकाता और पुणे में कुछ दृश्यों की शूटिंग करने की योजना बनाई थी इसके बाद में, लेकिन दोस्तों कोविड-19 महामारी के डर के कारण इस विचार को छोड़ दिया गया और हैदराबाद में शूटिंग जारी रखने का फैसला किया गया, कंटिन्यू किया गया। इसके बाद दोस्तों महामारी के कारण फिल्मांकन आगे रुक गई। इसके बाद दोस्तों यह बताया गया था कि टीम जो है लॉकडाउन के बाद चेन्नई में कुछ दिवसों की शूटिंग करेगी, क्योंकि दोस्तों फिल्म की टीम को शूटिंग के लिए हैदराबाद जाना मुश्किल होगा बताया। और दोस्तों महामारी के बाद सरकार द्वारा फिल्म और दोस्तों टेलीविजन निर्माणों को फिर से शुरू करने की अनुमति दिए जाने के बाद अक्टूबर 2020 में अभिनेता रजनीकांत के सेट पर शामिल होने की सूचना मिली थी। हालांकि दोस्तों निर्माताओं ने टीम की यहां पर सुरक्षा का हवाला देते हुए फिल्म की शूटिंग नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया। इसके वजह से नवंबर 2020 के मध्य में निर्माता ने आधिकारिक तौर पर कहा था कि शूटिंग 15 दिसंबर 2020 को फिर से शुरू करेगा शूटिंग, और जिसमें दोस्तों रजनीकांत शेड्यूल में शामिल होंगे इसकी भी पुष्टि हो चुकी थी। आगे दोस्तों इस फिल्म की शूटिंग को जल्दी पूरा करने के लिए एक ही समय में पूरा होने की उम्मीद लगाया गया था। रजनीकांत 14 दिसंबर को हैदराबाद गए और निर्धारित तिथि से पहले शूटिंग शुरू कर दी, जिसमें दोस्तों नयनतारा फिल्म के सेट पर शामिल थी। सूत्रों ने दावा किया था कि अभिनेता के
जन्मदिन के अभिनेता के दोस्तों रजनीकांत में प्रवेश से पहले रजनीकांत ने फिल्म की शूटिंग पूरी करने के लिए 14 घंटे से अधिक जो समय बिताया था, लेकिन दोस्तों फिल्म की शूटिंग 23 दिसंबर 2020 को रोक दी गई थी। इसके बाद दोस्तों बाद में जब जो है चालक दल के 8 सदस्यों को कोविड-19 का पता चला, हालांकि दोस्तों रजनीकांत ने इससे बेखबर थे और नकारात्मक परीक्षण इनका जब चेक किया गया था तो इनका पॉजिटिव रिजल्ट आया था। इसके बाद दोस्तों हैदराबाद में शौच हुए, यहाँ पे संगरोध में चले गए थे, जहाँ पे दोस्तों बहरहाल रक्तपात में उतार चढ़ाव के कारण 25 दिसंबर को इनको भी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। अभिनेता रजनीकांत को रजनीकांत के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए निर्माता ने 15 मार्च 2021 को चेन्नई में शूटिंग फिर से शुरू करने की योजना बनाई। इसमें दोस्तों एक शेड्यूल 30 दिनों के भीतर शूट किया गया था। तमिलनाडु राज्य विधानसभा चुनाव के बाद दोस्तों रजनीकांत अप्रैल 2021 में अगले शेड्यूल की शूटिंग के लिए हैदराबाद चले गए। आगे दोस्तों बता दें, नाइट जो है कर्फ्यू और दोस्तों अन्य जो प्रतिबंधों के बावजूद फिल्म की शूटिंग तेजी से हुई, जिसकी वजह से टीम ने रजनीकांत पर आधारित जो है कुछ स्टंट दृश्यों की शूटिंग की। और दोस्तों रात के दृश्यों के लिए टीम ने सरकार के साथ साथ दोस्तों हैदराबाद पुलिस से रात के दृश्यों को शूट करने की अनुमति मांगी थी, जिसकी वजह से दोस्तों टीम ने तेज गति से फिल्मांकन करते समय सेट पर सुरक्षा जो सुनिश्चित किया था फिल्म के लिए। साथ ही साथ दोस्तों 9 अप्रैल 2021 के अंत में फिल्म की शूटिंग में शामिल हुई और दोस्तों रजनीकांत और नयनतारा के दृश्य 3 दिनों के भीतर शूट किया गया। 10 मई 2021 को ये घोषणा की गई थी कि रजनीकांत ने कुछ पैचवर्क दृश्यों को छोड़कर फिल्म के लिए अपने हिस्से का काम पूरा कर लिया है। फिल्म का अंतिम शेड्यूल जुलाई 2021 में चेन्नई के एक निजी स्टूडियो में हुआ था। दोस्तों अगस्त में छोटे हिस्सों को छोड़कर फिल्म के स्टंट दृश्यों को पूरा कर लिया गया था। रजनीकांत और खुशबू ने अपने हिस्से के लिए डबिंग शुरू कर दी थी और दोस्तों सितंबर 2021 तक फिल्म की अंतिम प्रतिक्रिया होने के साथ फिल्म को सार्वजनिक देखने के लिए केंद्रीय फिल्म फेयर प्रमाण बोर्ड CBFC को भेज दिया था, जहां दोस्तों फिल्म को बोर्ड से UA प्रमाण पत्र मिला। फिल्म का अंतिम समय 163 मिनट बताया जा रहा था। आगे दोस्तों प्रोग्राम में अन्नाथे को दशहरे के पूर्व संध्या पर 25 अक्टूबर 2020 के साथ रिलीज किया गया था। बाद में मई 2020 में सन पिक्चर्स ने घोषणा किया था कि फिल्म पोंगल 14 जनवरी 2021 के अवसर पर रिलीज होने वाली है, लेकिन दोस्तों कोविड-19 के वजह से इसको रोक दिया गया। इसके बाद दोस्तों 2021 में निर्माता ने घोषणा किया था कि ये फिल्म 4 नवंबर 2021 को दिवाली त्यौहार के अवसर पर रिलीज होगी। अन्नाथी ने दोस्तों बता दें, बुक माई शो पर 1.3 मिलियन टिकटों की बिक्री को पार कर लिया और इसी के साथ दोस्तों ये प्रकार उस वक्त सबसे अधिक बिकने वाला टिकट, सबसे ज़्यादा दोस्तों कोविड-19 महामारी के बाद मंच पर मिलियन का आंकड़ा छूने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई। दोस्तों नाटकीय रिलीज से पहले रजनीकांत ने अपनी बेटी, इसके बाद दोस्तों सौंदर्य, रजनीकांत पोते यात्रा और लिंगा के साथ जो फिल्म का पहला शो देखा था। सौदार्या ने अपने नए जो है लॉन्च किए गए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हुटमी फिल्म के बारे में अपनी समीक्षा साझा किया। लोगों ने दोस्तों अभी तक जो ये नहीं देखा कि आपने जो है अन्नाथे शिवा में क्या देखा है, लेकिन मैंने इसे देखा, उन्होंने कहा। और फिल्म देखने के बाद मैं बाहर आया और दोस्तों आंसुओं के साथ जो है आपसे हाथ मिला रहा हूँ, उन्होंने बताया। एनिमी के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों एनिमी भारी मांग के कारण ये फिल्म दुनिया भर के 2100 से अधिक थिएटरों में रिलीज होगी बताया गया, जिसमें दोस्तों 900 थिएटर भारत के होंगे ऐसा भी कहा गया था। इसके बाद दोस्तों विदेशी केंद्रों में 1193 स्क्रीन पर रिलीज किया जाएगा। 19 लॉकडाउन के बाद किसी तमिल फिल्म के लिए सबसे ज़्यादा व्यापक था इस मूवी की रिलीज। इसके बाद दोस्तों इस फिल्म के स्क्रीन के बारे में हम बात कर ले तो 23 स्क्रीन यूनाइटेड किंगडम में लगाया गया था। इसके अलावा दोस्तों 35 स्क्रीन पूरे यूरोप में लगाया गया था इस फिल्म के शो के लिए। तो फैंस, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं साल 2021 में रिलीज हुई रजनीकांत की मोस्ट वेटेड मूवीज का नाम है अन्नाथे। दोस्तों ये फिल्म कौन से आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको दे रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अन्नाथे मूवीज की कहानी के बारे में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस फिल्म की कहानी कैसी है, क्या इस फिल्म को देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए 2023 में। अगर दोस्तों इस फिल्म को देखना चाहिए तो ये फिल्म आपको कौन सा यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगा या फिर कौन सी OTT प्लेटफॉर्म पे आपको ये फिल्म आसानी से हिंदी डब में देखने को मिल जाएगा, इसकी पूरी जानकारी आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको देंगे।
तो दोस्तों अगर आप लोग अन्नाथ फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके और मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देर किए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ से विस्तार में बात कर लेते हैं अन्नाथ फिल्म के बारे में। बता दें दोस्तों ये फिल्म साल 2021 में रिलीज की गई भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जो शिव द्वारा लिखित किया गया है और निर्देशित किया गया है। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म को सन पिक्चर के तहत कलानिधि मारन द्वारा निर्मित किया गया है। और दोस्तों फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म के अंदर रजनीकांत, खुशबू मीना, नयनतारा और दोस्तों कृति सुरेश ने अभिनय किया है, जबकि दोस्तों जगपति बाबू, प्रकाश राज और सूरी प्रमुख भूमिकाओं में फिल्म में नजर आए हुए हैं। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर के बारे में हम बात करें तो दोस्तों फिल्म के संगीत डी ईमान द्वारा तैयार किया गया है, जबकि दोस्तों फिल्म का छायांकन और संपादन क्रमश वेट्री और दोस्तों रूबेन द्वारा किया गया है। इसी के साथ दोस्तों अन्नाथ फिल्म की कहानी के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म की कहानी तंजावुर के एक सरपंच कल्याण के इर्द गिर्द घूमता है जो दोस्तों अपनी बहन को एक व्यापारी और उसके बड़े भाई के चंगुल से बचाने के लिए हर संभव प्रयास करता है। दोस्तों फिल्म की आधिकारिक घोषणा अक्टूबर 2019 में की गई थी जो शिव के साथ रजनीकांत का पहला सहयोग था। मुख्य फोटोग्राफी अभिनेता के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर 11 दिसंबर 2019 को शुरू हुई और दोस्तों सितंबर 2021 के भीतर पूरी हो चुकी थी। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म को भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के परिणाम स्वरूप शूटिंग प्रक्रिया 1.5 साल तक चली। दिसंबर 2020 के अंत में रजनीकांत के स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों के कारण दोस्तों फिल्म की निर्माण में देरी हुई और फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में की गई थी, जिसके कुछ दृश्य चेन्नई में शूट किया गया था। दोस्तों अन्नाथ को दिवाली के मौके पर 4 नवंबर 2021 को रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा देखने को मिली थी। इसके बावजूद दोस्तों ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे व्यावसायिक रूप से सफल रही और दोस्तों रिलीज होने पर इसने लगभग 175 से लेकर 240 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की और दोस्तों इसने तमिलनाडु बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ रुपए से अधिक का आंकड़ा भी पार कर लिया और इस तरह ये उपलब्धि हासिल करने वाली तीसरी फिल्म बन गई जो भारतीय दूतावास ने संस्कृति और दोस्तों पर्यटन को बढ़ावा देने के हिस्से के रूप में अर्जेंटीना में फिल्म की रिलीज की घोषणा किया गया था। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना। इसी के साथ दोस्तों बात करें फिल्म की कहानी के बारे में तो दोस्तों फिल्म के अंदर कलैया तंजुवार के सुरकोटे में एक स्थानीय ग्राम अध्यक्ष इंसान रहते हैं और वो दोस्तों गांव के रक्षक भी है जो नैतिक जो है निष्पक्षता के आगे झुकते हैं और ये आदर्श उसे एक प्रतिद्वंदी ग्राम नेता नत्था दुरे के साथ संघर्ष करने के लिए प्रेरित करता है जो दोस्तों लोगों को डराकर उन्हें नियंत्रित करके शासन करते हैं उन पर। जब दोस्तों नत्था दुरे एक बूढ़े व्यक्ति से जमीन हड़पने की कोशिश करता है तो वह अपने मामले की रक्षा के लिए पट्टामाल नाम के एक वकील को नियुक्त करता है इस काम के लिए। और दोस्तों आगे देखने को मिलता है कल्याण ने सच्चाई उजागर कर दी और पट्टामाल ने अपने ही मुवक्किल को धोखा दिया और दोस्तों मामला वापस ले लिया। पट्टामाल और कल्याण जल्द ही दोस्तों प्यार में पड़ जाते हैं। कल्याण की दुनिया उसकी बहन थंगा मीनाची के इर्द गिर्द घूमता है जिसे दोस्तों उसने अपने माता पिता की मृत्यु के बाद उसे बहुत प्यार से पाला है। फिल्म में जब मीनाची अपनी शिक्षा पूरी करके घर लौटती है तो कल्याण को उसके लिए दूल्हा ढूंढने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है क्योंकि दोस्तों हर कोई उससे डरता है। फिल्म में कल्याण की परेशान चचेरी बहन ने यहाँ पे अंगयार कन्नी और दोस्तों उनके अलावा मगयार करसी दोनों ने प्रस्ताव रखा कि उनके भाई जो है थंगा मीनाची से शादी करे और वह दोनों कल्याण से शादी करना चाहते थे लेकिन वह सहमत नहीं थी इन दोनों से शादी करने के लिए, यानी कि किसी से भी शादी करने से सहमत नहीं थी। थंगा मीनाची की शादी नट्टा दुरे के छोटे भाई के साथ उसकी सहमति के बिना तय कर दी गई है। शादी के दिन मीनाची गायब हो जाती है घर से और दोस्तों बाद में पता चलता है कि वह भाग चुकी है घर से। शादी के दिन मीनाची लापता हो जाती है। कल्याण एक खोजी दल भेजते हैं जो कॉलेज से अपने प्रेमी के साथ भागने की कोशिश कर रही मीनाची को ट्रेन में पकड़ लिया जाता है। अपनी बहन के प्रति अपने प्यार से तंग आकर कल्याण मीनाची को जाने की अनुमति देता है और रिश्तेदारों की ऑनर किलिंग की मांग को टाल देता है। मीनाची अपने पति के साथ कोलकाता चली जाती है और दोस्तों वहां से कल्याण से उसका संपर्क टूट जाता है। कल्याण और दोस्तों पट्टामाल कोलकाता की यात्रा करते हैं।
उसके बाद देखने को मिलता है कल्याण को पता चला कि उसकी बहन को गंभीर व्यक्ति जो है परेशान कर रहे हैं और चुपके से उसका पीछा करता है और उसे पता चलता है कि उसने एक गैंगस्टर से पैसा उधार लिया है। जब दोस्तों गैंगस्टर मीनाक्षी पर हमला करने की कोशिश करता है तो कल्याण चुपके से उसकी पिटाई कर देता है और मीनाक्षी को पटना माल के अपार्टमेंट में लेकर जाया जाता है। यहाँ दोस्तों वह सुरक्षित रूप से उस पर नजर रख पाता है। आगे दोस्तों ठगों द्वारा मीनाक्षी को धमकी दी जाती है और दोस्तों वह बीमार पड़ जाता है। जब दोस्तों पटना माल अपनी दावा लेने के लिए घर से निकलता है तो ठग उस पर हमला कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों कल्याण उसे बचाती है और आगे देखने को मिलता है हमलावरों से पूछताछ किया जाता है और सच्चाई वहां से पता चलता है पट्टा माल को। आगे दोस्तों अतीत में ये पता चलता है, दोस्तों अतीत में जब मीनाक्षी और उसके पति ने कोलकाता में व्यवसाय शुरू किया था तो एक अमीर व्यापारी और अंडरवर्ल्ड डॉन मनोज पर्रिकर ने उनसे संपर्क किया। मनोज उनके आधे शेयर खरीदना चाहते थे लेकिन मीनाक्षी के पति ने इनकार कर दिया शेयर को बेचने से। अगले हफ्ते में दोस्तों मीनाक्षी की फैक्ट्री में आग लग गई, उन्हें इसे दोस्तों बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा और दोस्तों यही नहीं बल्कि उसके पति को भी गिरफ्तार करवा दिया गया। जी हाँ दोस्तों उसके पति को मनगढ़ते आरोपों के तहत गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस हिरासत में यातना दी जा रही थी। मीनाक्षी ने अपने पति को रिहा करवाने और अपनी कंपनी पर हस्ताक्षर करने के लिए मनोज से विनती की थी। मनोज ने दोस्तों उसे छुड़ाने से इनकार कर दिया था और जो भी उसकी मदद करने को तैयार हुआ उसकी हत्या करवा दे रहा था। वर्तमान समय में मीनाक्षी अभी भी पट्टा माल की मदद से अपने पति को रिहा करवाने की कोशिश कर रही है लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह गर्भवती भी है। ये सुनकर दोस्तों कल्याण बहुत खुश होता है और वह और यहाँ पे पट्टा माल उसके लिए एक गोद भराई का आयोजन भी करते हैं। कहानी में आगे देखने को मिलता है मीनाक्षी के दुर्भाग्य के पीछे की सच्चाई जानने के बाद कल्याण अपनी बहन को चारा के रूप में इस्तेमाल करके गैंगस्टरों को मारना चाहता था और दोस्तों मनोज जो है पर्रिकर को नष्ट करने की कसम खाता है। अनाथे के दोस्तों यहाँ पे बता दें छमा नाम के तहत कल्याण और उसके गांव के दोस्त मनोज के कार्यालय पर धावा बोलता है और एक अल्टीमेटम जारी करता है जो उसके अधिक नाटक के बाद जो अनाथे ने मनोज को घेर लिया और दोस्तों उसे कागज पर अपने नाम पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जिसमें दोस्तों कहा गया था कि वह चुराई गई कंपनियों को उनके पूर्व मालिकों को वापस कर देगा। कल्याण ने मनोज की जान बख्शने का इसके बाद फैसला किया। इसके आगे दोस्तों क्रोधित होकर अपमानित होकर मनोज अपने अलग हो चुके भाई जो है उद्धव पर्रिकर से मिलने जाता है और अनाथे को खत्म करने की मांग करता है और फिर दोस्तों आत्महत्या कर लेता है। इसके बाद दोस्तों उद्धव मीनाक्षी का पता लगाया जाता है और उस पर जो है हमला करने के लिए लोगों को लाता है। दोस्तों इसके बाद कल्याण द्वारा निर्देशित की गई पट्टामाल उसे छुपाती है। पट्टामाल और दोस्तों मीनाक्षी का लोगों द्वारा तब तक जो है पीछा किया जाता है जब तक कि दोनों एक दुर्घटनाग्रस्त ऑटो रिक्शा से अलग नहीं हो जाते। कल्याण वहां आता है और दोस्तों उद्धव के सभी जो है आदमियों को पकड़ लेता है और दोस्तों उद्धव को मार डालता है जहाँ पे दोस्तों वह अंत तक खुद को जो है मीनाक्षी के सामने प्रकट करता है जो अपने भाई को हुई सभी जो है परेशानियों के लिए आंसू बहाते हुए माफी मांगता है उनसे। तो दोस्तों ये कहानी आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलती है। अक्टूबर 2019 के मध्य में मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था दरबार फिल्म 2020 की रिलीज के बाद रजनीकांत निर्देशक जो है शिव के साथ काम करेंगे लेकिन बाद में दोस्तों 11 अक्टूबर 2019 को कलानिधि मारन ने इसकी पुष्टि की जिसका दोस्तों प्रोडक्शन हाउस सन पिक्चर्स है। उद्यम को दोस्तों नियंत्रित करने वाली पिक्चर्स ने स्थायी रूप से इस परियोजना का शीर्षक जो है थलाइवर रखा 168 रखा क्योंकि दोस्तों ये रजनीकांत की 168वीं फिल्म परियोजना वाली मूवी थी। ये आपको बता दें एंडीरन और पेटा के बाद सन पिक्चर के साथ रजनीकांत का तीसरा सहयोग है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें संगीत का डी ईमान जिन्होंने पहले निर्देशक के साथ विश्वासम फिल्म 2019 में काम किया था उनको फिल्म के लिए संगीत देने की सूचना मिली थी। नवंबर के मध्य में निर्माता द्वारा उनके शामिल किए जाने की पुष्टि की गई और यह बताया गया था कि फिल्म का शीर्षक जो है वियुगम और मनोवन होगा। हालांकि दोस्तों टीम ने अफवाह का खंडन किया और फिल्म का शीर्षक अन्नाथे 24 फरवरी 2020 को सामने आया था। शिव के दोस्तों सामान्य तकनीकी दल वेटरी रूबेन मिलन और दोस्तों दिलीप जो है सुब्बा रायन जिन्होंने यहाँ पे सुब्बा रायन को छोड़कर निर्देशक की पिछली फिल्मों में काम किया था क्योंकि दोस्तों उन्होंने शिव के साथ केवल जो है विश्वासम में काम किया था। उन्हें कर्मवश फिल्म का छायाकर संपादन कला निर्देशक और स्टंट कोरियोग्राफर बताया गया था।
रजनीकांत ने दोस्तों अपनी फिल्म में कुछ पंच लाइनें लिखी थी, जिसकी वजह से प्रारंभ में अभिनेता को फिल्म के लिए उनके वेतन के रूप में 118 करोड़ का भुगतान करने की सूचना मिली थी। लेकिन दोस्तों कलानिधि मारन ने दरबार की विफलता के बाद उन्हें वेतन कम करने के लिए जोर दिया और दोस्तों रजनीकांत ने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो वह इस परियोजना को बंद करने के लिए भी तैयार थे। काफी विचार विमर्श के बाद रजनीकांत ने बताया था कि वह अपना वेतन कम करने पर सहमत हो गए हैं। 23 अक्टूबर 2019 को कृति सुरेश को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका में अभिनय करने के लिए उनको साइन किया गया था इस फिल्म के अंदर। बाद में ये हास्य कलाकार सूरी को एक और प्रमुख भूमिका निभाने की सूचना मिली थी। सन पिक्चर्स द्वारा दोस्तों दिसंबर 2019 के मध्य में 2019 के हफ्ते में सूरी और सुरेश को शामिल करने की पुष्टि की गई। बताया गया था कि कृति सुरेश फिल्म में रजनीकांत की सौतेली बहन की भूमिका निभाएंगी। दिसंबर 2019 में निर्माताओं ने यह भी पुष्टि किया था कि मीना और खुशबू भी फिल्म में होंगी। थलाइवर 168 में रजनीकांत की मुख्य महिला भूमिका निभाएंगी। प्रकाश राज और 37वीं शूटिंग में शामिल होंगी, यह बताया गया था। इसके बाद दोस्तों प्रकाश राज और 37वीं शूटिंग शुरू होने से पहले फिल्म के कलाकारों में शामिल हो गए। अभिनेता विश्वनाथ, जिन्होंने कवाली फिल्म 2016 में रजनीकांत के साथ काम किया था, कवाली 2016 में रजनीकांत के साथ जो है काम किया था, उनको भी कलाकारों में शामिल किया गया। और फाइनली 31 जनवरी 2020 को सन पिक्चर्स ने बाद में घोषणा किया था कि नयनतारा भी एक वकील की भूमिका निभाते हुए फिल्म के कलाकारों का हिस्सा होगी। अभिनेता दोस्तों आपको बता दें वेला राममूर्ति भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए कलाकारों में शामिल हो गए। और दोस्तों ऐसी खबरें थी कि तेलुगु अभिनेता गोपीचंद, लेकिन दोस्तों हालांकि अभिनेता ऐसे दाव का खंडन किया। जेके श्रॉफ के बारे में हम बात करें तो जेके श्रॉफ को फिल्म के नायक की भूमिका निभाने के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन मार्च 2021 में उनकी जगह जगपति बाबू ने इस फिल्म में ले ली। इसी के साथ दोस्तों मुख्य फोटोग्राफी के बारे में हम बात करें तो 11 दिसंबर 2019 को अभिनेता रजनीकांत के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर हुई चेन्नई में दोस्तों स्वर्ण टीवी नेटवर्क के कार्यालय में आयोजित किए गए पूजा समारोह में फिल्म के कलाकार और चालक दल उपस्थित थे। फिल्मांकन दोस्तों 18 दिसंबर 2019 को हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में एक गाने की शूटिंग के साथ दोस्तों शुरू हुआ, जबकि खुशबू फिल्मांकन शुरू होने के कुछ दिनों बाद अपनी हिस्से की शूटिंग में शामिल हो गई। रजनीकांत के बारे में हम बात कर लेते दोस्तों, रजनीकांत कर्नाटक के बंदीपुर जंगल में मैन वर्सेस जो है वाइल्ड के एक एपिसोड की शूटिंग के लिए गए, जिसके परिणाम स्वरूप फिल्म की शूटिंग में देरी हुई। नयनतारा के शामिल होने की घोषणा बाद में अभिनेत्री ने फरवरी में 2020 में बताया और 2020 में सेट पर शामिल हुई। निर्माता ने इसके बाद हैदराबाद में दो शेड्यूल पूरे होने के बाद कोलकाता और पुणे में कुछ दिवसों की शूटिंग करने की योजना बनाई थी इसके बाद में, लेकिन दोस्तों कोविड-19 महामारी के डर के कारण इस विचार को छोड़ दिया गया और हैदराबाद में शूटिंग जारी रखने का फैसला किया गया, कंटिन्यू किया गया। इसके बाद दोस्तों महामारी के कारण फिल्मांकन आगे रुक गई। इसके बाद दोस्तों यह बताया गया था कि टीम जो है लॉकडाउन के बाद चेन्नई में कुछ दिवसों की शूटिंग करेगी, क्योंकि दोस्तों फिल्म की टीम को शूटिंग के लिए हैदराबाद जाना मुश्किल होगा बताया। और दोस्तों महामारी के बाद सरकार द्वारा फिल्म और दोस्तों टेलीविजन निर्माणों को फिर से शुरू करने की अनुमति दिए जाने के बाद अक्टूबर 2020 में अभिनेता रजनीकांत के सेट पर शामिल होने की सूचना मिली थी। हालांकि दोस्तों निर्माताओं ने टीम की यहां पर सुरक्षा का हवाला देते हुए फिल्म की शूटिंग नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया। इसके वजह से नवंबर 2020 के मध्य में निर्माता ने आधिकारिक तौर पर कहा था कि शूटिंग 15 दिसंबर 2020 को फिर से शुरू करेगा शूटिंग, और जिसमें दोस्तों रजनीकांत शेड्यूल में शामिल होंगे, इसकी भी पुष्टि हो। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने रिव्यू किया साल 2021 में रिलीज हुई तमिल भाषा की मोस्ट वेटेड मूवीज का नाम है अन्नाथे। दोस्तों ये फिल्म कॉन्सर्ट को काफी हिंदी डब में देखने को मिलेगा, पूरी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको दे रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अन्नाथे मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना, बता दें दोस्तों अन्नाथे फिल्म अभी आपको यूरोप पर देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों अगर आप लोग इस फिल्म को देखना चाहते हो तो ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिल जाता है, तो दोस्तों आप लोग वहां से इस फिल्म को आसानी से देख सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट के बारे में तो दोस्तों अन्नाथे फिल्म को बनाने में लगभग दोस्तों 100 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। इसके अलावा दोस्तों इस मूवी की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में हम बात करें तो फिल्म ने 240 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई किया था और ये फिल्म साल 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली तमिल भाषा की मूवी है। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग इस फिल्म को यूरोप पर देखना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना।
फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने इस मूवी को हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आज का रिव्यू आपको जरूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टिल एंड सी यू सून।